गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप लोगों ने क्वेश्चंस किए पास ईयर्स के आपका क्वेश्चन था पेज 292 पर क्वेश्चन टू का पार्ट सी है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन विच एन एओ कैन पास इन केस वेयर असेसमेंट ऑर्डर हैज बिन मॉडिफाइड इन एन अपील याद करिए आपने 154 में किया था पार्शल मर्चर कि जो इश्यूज अपील में जा चुके हैं सिर्फ वो इश्यूज मर्ज करेंगे विदर ऑफ सी आई डी अपील तो एर्डर रेक्टिफाई कर सकते हैं ऑन इश्यूज आदर देन विच हैव गॉन फॉर अपील इन द हायर अथॉरिटीज फॉर एग्जाम्पल ए ने ऑर्डर पास किया आइटम ए बी सी डी इन दो के लिए आप अपील में चले गए सी आई में तो आप 154 कर सकता है ओनली फॉर ए एंड बी तो जो मैटर्स अपील में चले गए हैं वहां पार्शल मर्चा लग जाता है एओ का ऑर्डर पार्शली मर्च हो जाए ऑर्डर ऑफ द आई टी सो उन इश्यूज़ पर 154 फाइव फोर इज नॉट पॉसिबल और बताइए और कोई क्वेश्चन वन फोर्टी फोर ए होता है डायरेक्शन बाय जे सी जैसे कि एओ है मेरा फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर डिस करना चाह रहा है और मेरे हिसाब से वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है बट एओ कहता है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर है मान लीजिए एओ मुझसे ब्राई मांगता है उस केस में मैं जेसी के पास जा सकता हूं उसे प्रूव कर सकता हूं कि सर ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है मैं बाहर गया था काम करने के लिए और जेसी फिर एओ को डायरेक्शन देगा वन फोर्टी फोर ए में कि इस एक्सपेंस को अलाउ करिए और एओ जो है उस डायरेक्शन से बाउंड होता है देखिए कोई भी एक्सपेंस अगर एओ डिसव करता है तो उससे पहले आपको शोकॉस देता कि मैं ये डिसलॉक क्यों ना करूं ठीक है स्टार्ट करें क्वेश्चन थर्टी वन पेज थ्री वन फोर ये भी करना है ये भी करना है ये जो एटी ए फाइव की बात कर रहे हैं ना ये अभी छोड़ दी जो चाहिए ओके okay, अभी कर देते हैं हाँ तो अभी करना है तो सो ए टी ए फाइव भी अभी हमने करना है तो आज ही कर लेंगे टू सिक्सटी फोर भी आज ही कर लेंगे ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं लास्ट टाइम आप थे पेज 278 पर रिविजन बाय कमिश्नर सो 263 में कमिश्नर रिकॉर्ड्स मंगाता है और अगर वो देखता है कि कोई ऑर्डर एरनियस है प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है तो असेसी को अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड देने के बाद आइधर असेसमेंट इंक्रीज कर देगा मॉडिफाई कर देगा या कैंसिल करके ए को बोलेगा कि ये डिडक्शन डिसअलाउ करिए या फिर ये इनकम पोने की इनकम टैक्स करिए 263 सिर्फ एओ के ऑर्डर का कर सकता है सीआईटी। इंटीमेशन वन फोर्टी की ऑर्डर नहीं होती उसका 263 सिक्सटी थ्री इज नॉट पॉसिबल जैसे कि हमने 147 में किया था कि र्यूमर्स सस्पिशन गॉसिप के बेसिस पर 147 फोर्टी सेवन नहीं हो सकता उसी तरह टू सिक्सटी थ्री के लिए भी कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए सीआईटी के पास सिर्फ चेंज इन पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पर टू सिक्सटी थ्री कैन नॉट बी इन वो पेज टू सेवन नाइन पॉइंट फाइव हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया था कि अगर सी आई टी ने क्या किया है अगर एओ ने पेनल्टी इनिशिएट करना भूल गया असेसमेंट कंप्लीट कर दी तो सी आई टी टू सिक्सटी थ्री में ऑर्डर कैंसल सेटाफाइड नहीं कर सकता और ये नहीं कह सकता कि दोबारा से ऑर्डर पास करिए आफ्टर इनिशिएटिंग द पेनल्टी बिकॉज ऑर्डर में कोई गलती नहीं है सो पॉइंट नाइन किया था हमने कि टू सिक्सटी थ्री पॉसिबल तभी है जब एओ का ऑर्डर पास हुआ है अगर ए ने ऑर्डर नहीं पास किया वन फोर्टी थ्री वन में केस होकर के रह गया आपका या फिर रिटर्न फाइल नहीं किया आपने उस केस में टू सिक्सटी थ्री इज नॉट पॉसिबल अब इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं द कमिश्नर में कॉल फॉर एन एग्जाम इन द रिकॉर्ड रिकॉर्ड इस पर मैसिव कंट्रोवर्सी हुई रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कुछ कोर्ट्स ने कहा रिकॉर्ड वो होते हैं जो अवेलेबल होते हैं एट द टाइम ऑफ पासिंग असेसमेंट ऑर्डर और कुछ कोर्ट्स ने कहा कि रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो अवेलेबल होते हैं इवन आफ्टर असेसमेंट, बट वेन सी आई टी इज मेकिंग टू सिक्सटी थ्री इज मेकिंग टू सिक्सटी थ्री सो रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है क्या वो रिकॉर्ड्स वो इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है जब असेसमेंट की गई और अगर वो इंफॉर्मेशन बॉर्न हुई है पैदा हुई है बॉर्न हुई है पैदा हुई है आफ्टर असेसमेंट क्या वो भी रिकॉर्ड मानी जाएगी जैसे कि बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का वैल्यूशन रिपोर्ट्स, वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आई असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद जिससे पता चलता है कि असेस ने पचास लाख इनकम कम दिखाई है क्या यह वैल्यूएशन रिपोर्ट रिकॉर्ड का पार्ट बनेगी कुछ कोर्ट्स ने कहा रिकॉर्ड क्या होते हैं जो अवेलेबल होते हैं जब असेसमेंट हुई थी इन कोर्ट्स के हिसाब से जो रिकॉर्ड्स पैदा हुए बॉर्न हुए एग्जिस्टेंस में आए आफ्टर असेसमेंट इज ओवर डेट इज नॉट रिकॉर्ड जबकि कुछ कोर्ट्स ने कहा रिकॉर्ड वो होते हैं वो इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर असेसमेंट के बाद पैदा हुई है बॉर्न हुई है एग्जिस्टेंस में आई है यानी कुछ कोर्ट्स ने कहा सेकेंड सेट ऑफ कोर्ट्स रिकॉर्ड्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है एट द टाइम वेन दी आई इज मेकिंग टू सिक्सटी थ्री यानी सेकेंड सेट ऑफ कोर्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन का पैदा हुई है रिकॉर्ड्स पैदा हुए हैं बॉर्न हुए हैं एग्जिस्टेंस में आए हैं इवन आफ्टर असेसमेंट दैट इज रिकॉर्ड अब बताइए फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन सा व्यू ऑफ हम चाहिए फर्स्ट और सेकेंड सेकेंड अभी रुक तो जाइए प्लीज बाई चांस नहीं वेट क्यों उसने ऑर्डर पास कर दिया अपना देखिएगा आपको 1988 का पेज टू सॉरी 1988 1988 पेज टू पेज टू इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मैं बत्तीस साल पहले का कंसेप्ट करा रहा हूं आपको अमेंडमेंट जो आई थी आप जब पास से क्वेश्चन करेंगे देखेंगे लाइन लगी मिलेगी आपको इन इश्यूज पर क्वेश्चन की सो सर्कुलर एक्सप्लेनिंग फाइनेंस एक्ट नाइनटीन एटी एट अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू रिविजन ऑफ ऑर्डर प्रिजुडिशियल टू द रेवेन्यू द फॉलोइंग अमेंडमेंट सब इन under the existing provisions of section 260 of the income tax act, the commissioner of income tax is empowered to call for and examine the record of any proceeding and if he considers that the order passed by the AO is erroneous, insofar as it is prejudicial to in the interest of revenue, then he may pass an order enhancing, modifying the assessment, canceling the assessment, with a direction to make it afresh the provisions as presently worded have given rise to two areas of controversy though controversies i the first is relating to interpretation of the word record and the second is regarding the issue relating to merger of order of a with the order of the appellate authority courts have held in some cases that the word record occurring in section 263 could not mean the record एज इट स्टूड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाई दी आई टी सो कुछ कोर्ट्स ने कहा कि रिकॉर्ड्स का मतलब वो नहीं होता मतलब वो रिकॉर्ड्स नहीं होते जो अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाई दी आई टी बट द रिक टाइम वेन दस पास बाई दिन इन कोर्ट के हिसाब से अगर इंफॉर्मेशन पैदा हुई है एग्जिस्टेंस में आई है आफ्टर दैट इज नॉट रिकॉर्ड Limiting the power of commissioner only to the situation that was existing at the time of making the assessment is to make the provision too restrictive. As many times information comes on record from various sources, which indicates that the order of use is erroneous and prejudicial to the interest of revenue. The above interpretation of the term "record" by some courts, besides being against the legislative intent, also defeats the very objective. Sought to be achieved, which is to revise the order on the basis of records av available to the Commissioner at the time of examination by the Commissioner. With a view to clarifying the legislative intent of the term record, a definition of the term record has been inserted in Section 263 by the Finance Act 88 to include all records relating to any proceeding under the Income Tax Act available at the time of examination by the सीआईटी यानी अगर असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट में एओ ने एक्सपेंस अलाउ कर दिया और असेसमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ जाता है कि एक्सपेंस है क्या वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिकॉर्ड कॉन्स्टिश्यूट करेगा यस yes. yes. एओ ने वैल्यूएशन रिपोर्ट की वेट नहीं की ऑल दो साहब कह रहे हो कि वेट करनी चाहिए थी नहीं की उसने ज नहीं थी लॉ की वन फोर्टी थ्री ऑर्डर पास कर दिया वैल्यूएशन रिपोर्ट आई जब जिससे पता चला कि 50 लाख इनकम एस्केप कर गई है तो जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आई आफ्टर द असेसमेंट इज इज कंप्लीट रिकॉर्ड और नॉट यस सो रिकॉर्ड मींस ऑल रिकॉर्ड्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सी द सीआईटी यानी जो रिकॉर्ड पैदा हुए हैं एग्जिस्टेंस में आए हैं इवन आफ्टर द असेसमेंट इज रिकॉर्ड दूसरी कंट्रोवर्सी दूसरी कंट्रोवर्सी सुनिए ए ने ऑर्डर पास A, B, C, D, कर दिया ए बी सी डी ये अलाउ कर दिया इसके करस्ट अपील कर दी सी आई टी पील्स में अब सीआईटी के पास एविडेंस है कि ए बी सी डिसलाउड है सीआईटी के पास टू में एविडेंस है कि ए बी सी डिसलाउड है क्या सीआईटी एबीसी डिसलाउ कर सकता टू सिक्सटी थ्री में कोर्ट ने कहा नहीं कर सकता कोर्ट ने कहा देखिए क्या हुआ यह ऑर्डर सी आई टी पे से कर गया और जबकि टू सिक्सटी थ्री में क्या लिखा है ही कैन रिवाइज द ऑफ अगर अब सीआईटी ऑर्डर रिवाइज करने की कोशिश करेगा ही विल बी रिवाइजिंग दर सी आई टी पे क्या इशू मर्जर क्या पूरा ऑर्डर मर्ज कर गया या सिर्फ इतना मर्ज किया है इतना ही मर्ज किया है रिगार्डिंग द अंडर सर्कमस्टांसिस ऑर्डर ऑफ एन एओ विद द विदलेट अथॉरिटी कंफ्लिक्टिंग डिसीजन हैिवन ब कोर्ट द जुडिशल कंट्रोवर्सी सेंटर्स अराउंड द क्वेश्चन एज टू वेदर द एंटायर ऑर्डर ऑफ असेसमेंट पास द एओ मर्जे विद द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी Or the merger is only with respect to that part of the order of AO which relates to the matters considered and decided by such authority. Some High Courts have held that there is a complete merger once an appeal is decided against an order, even on one or two points alone, while a number of High Courts have held that there is only a partial merger confined to the points adjudicated upon.

पेज 280 पर आइए पॉइंट फोर एंड फाइव आ द अमेनमेंट्स पेज 280 पॉइंट फोर एंड फाइव आ द अमेनमेंट्स रिकॉर्ड शेल इंक्लूड All records relating to any proceeding under this Act available at the time of examination, examination by the CIT. Niche keynote number two. The Commissioner can revise the order on the basis of valuation report, which came to the record subsequently to the assessment. Valuation report forms part of the

पार्शल मच फॉर्म कर रहे हैं का पेज टू एक मिनट एक मिनट अच्छा एक मिनट आएंगे प्लीज पेज टू सेवन नाइन पर आइए पॉइंट थ्री पढ़िएगा

वहां से दो साल तक रिविशन ऑर्डर पास हो सकता है हाउ एवर एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में बी पास एट एनी टाइम टू गिव इफेक्ट द फाइंडिंग और डायरेक्शन कंटेन इन द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ याद आया 147 फोर्टी हाँ, सेवन 150। वन फिफ्टी कि अगर हाई कोर्ट को डिसलाउ कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को डिसअलाउ कर रहा है तो उसके बेसिस पर आप 263 को का ऑर्डर कभी भी पास कर सकते हैं विच वन इज मोर पावरफुल 147, 154, 263। यहां पर आप 150 कहता है कि नोटिस कभी भी दे सकते हैं यह भी कहता है कि कभी भी कर सकते हैं बट यहां पर क्या था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बेसिस पर केस चार साल तक खोल सकते हैं रेक्टिफाई कर सकते हैं तो दिस इज वेरी रिस्ट्रिक्टिव ठीक चलिए अभी जो हम कर रहे थे उसमें आ जाइए पेज 281 पर आइए रिकॉर्ड दू मेड असेसमेंट अंडर 143.3 फॉर असेसमेंट या 1011 इलेवन ऑन बीस बारह दो हजार बारह इन केस ऑफ मिस्टर पी ऑन थर्टी जून ट्वेंटी पी इज नॉट अलाउबल कैन द सी आई टी अंडर टू सिक्स थ्री मेक रिविशन इन केस ऑफ मिस्टर दिस लेटर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिकॉर्ड का पार्ट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी 263 का ऑर्डर कब तक पास हो सकता है hmm. अभी तो पढ़ा आपने अभी तो पढ़ा आपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बेस विस्तार कभी पास कर सकते हैं द डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिकॉर्ड गिवन इन सेक्शन 263 इंक्लूड्स द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट देयरफॉर सी 8 इन द टू सिक्स थ्री एन पी

एंड एज पर वेल्यूशन रिपोर्टर सील कंसेन बाई फाइव लैक बताइए क्या यह लेटर वैल्यूशन रिपोर्ट रिकॉर्ड का पार्ट बनेगी या नहीं बन जाएगीय ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज पास yes, से एन में आई एस्ट मार्च ट्वेंटी वहां से दो साल 31st March, 22. Can the CIT under 263 increase the income by five lakh on the basis of valuation reports? Valuation reports received after the completion of assessment will form part of the work record, term record, and therefore CIT is competent to, to make revision under 263 on the basis of such valuation reports. The order under 263 can be passed up to 31st March, 22. देखिए पहले असेसमेंट के टाइम लिमिट्स डिफरेंट होते थे पहले 143 फोर्टी थ्री थ्री असेसमेंट के लिए तीन साल भी मिलते थे ये तो असेसमेंट या 1920 से लॉ चेंज हुआ है आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर ऑफ मर्जर टू एटी टू मैंने बताया था कि एक छोटा ऑर्डर बड़े ऑर्डर मतलब एक छोटी बड़ी पूरा ऑर्डर मर्ज होता है या सिर्फ उतना पोर्शन जो बड़ी अथॉरिटी ने देखा है यानी वेदर इट्स टोटल मर्चर और पार्शल मर्चर और हमने 154 में क्या किया था पार्शल मर्जर एज पर दिस डॉक्ट्रीन द ऑर्डर ऑफ ए मर्ज ऑर्डर ऑफ अपलेट अथॉरिटी इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एक छोटा ऑर्डर हायर अथॉरिटी में मर्ज कर जाता है जुडिशल कंट्रोवर्सी सेंटर्ड अराउंड द क्वेश्चन एज टू वेदर द एंटायर ऑर्डर ऑफ असैसमेंट पास दू गेट्स मर्ज विद ऑर्डर ऑफ द अपलेट अथॉरिटी क्या पूरा ऑर्डर मर्ज होता है और द मर्जर इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच रिलेट टू द मैटर्स कंसिडर्ड डिसाइडेड इन एन अपील कॉन्ट्रोवर्सी थी कि क्या पूरा पूरा ऑर्डर मर्ज हो जाता है ए का विद ऑर्डर हायर अथॉरिटीज या सिर्फ उतना पोर्शन मर्ज होता है जितना हायर अथॉरिटीज ने अपील में डिसाइड किया है वन व्यू ऑफ द जुडिशरी वॉज that this is a complete merger, total merger, of the order of the AO with the order of appellate authority. once an appeal is decided on one or two points alone, so court's court like a total merger. the other view of the judiciary was that this is a partial merger and only that part of the order of AO which relates to the matters considered and decided in an appeal gets merged with the order of appellate authority and partial merger doctrine of total merger has been overruled in section 263 and 154 by amendments in law in 263 and 154 doctrine of partial merger has been affirmed the doctrine of total merger has been affirmed in 264 वेर इन पार्शल मजर ओवर ऑल ये हम आधे घंटे बाद पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल तो देखिए अगर ए ने ए बी सी डी अलाउ कर दी अलाउ कर दी डिस डिसउट और इसमें आप अपील में चले गए तो क्या सी आई टी अंडर टू सिक्सटी थ्री इसको और इसको डिसलाउ कर सकता है यस पार्सल मर्चर सिर्फ इतना ऑर्डर मर्च करेगा इसके साथ दू एग्जाम्पल वन देखिएगा इन एन असेसमेंट अंडर वन फोर्टी थ्री थ्री अलाउड डिडक्शन एंड बी एंड डिसउड सी डी ई सेल एन अपील टू सी आई टी पील्स ऑन डिडक्शन सी डी ई सी आई टी पी डिडक्शन सी डी ई अलाउ कर दी इट इज लेटर फाउंड बाई सी आई टी डेट ए बी सी ई आर नॉट अलाउबल टू द से कैन ई इन्वोट टू सिक्स डिडक्शन तो अब देखिए कौन कौन से इश्यू मर्च हो गए विदऑ सी आई टी पील्स ए बी मर्च नहीं हुए सो सी आई टी एंड टू सिक्सटी थ्री कैन डिस अलाउ ए एन बी he cannot disallow those items which have merged with the order of CIT appeals. Question 2. Dekhega. EO in an assessment under 143.3 allowed deductions P and Q and disallowed XYZ. Assessee filed an appeal to CIT appeals on deduction XY only. सी आई टी पी सो मोटो अलाउस डिडक्शन जेड एंड कंफर्म्स द अलावेंस ऑफ पी पावर है उसके पास तो आप सी आई टी पी ने क्या क्या देख लिया मैटर्स एक्स वाई जेड और पी इट इज लेटर फाउंड बाई द सी आई टी डेट पी क्या वो एक्स वाई जेड आर नॉट अलाउबल तो अब क्या होगा बिकॉज ऑफ पार्शन मर्जर अब डिस अलाव कर सकता है ओनली क्यू एक्स वाई जेड पी मार्च होगा विद ऑर्डर ऑफ सी आई टी अपील आ जाइए वापिस पेज टू सेवन नाइन पॉइंट थ्री देखिएगा ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टू इयर्स From the end of the financial year in which order sought to be revised was passed, however, High Court Supreme Court को effect देने के लिए order कभी pass हो सकता है? पता तो है 263 की proceedings की अगर 263 की proceedings के लिए आपने stay ले लिया High Court से और stay छह महीने रहा तो क्या होगा? टाइम पीरियड फॉर टू सिक्स इन कम्प्यूटिंग दीरियड ऑफ लिमिटेशन दिन इन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी है ना दाइम एक मिनट सुन लीजिए द टाइम टेकन इन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द अस टू बी रीहड अंडर प्रोविशो टू वन ट्वेंटी नाइन यह अभी हमने नहीं किया है ये मैंने असेसमेंट्स में भी छुड़वा दिया था आपको ये पेनल्टीज में करा दूंगा आपको ये क्या होता है प्रोविजो टू वन ट्वेंटी नाइन उसमें टाइम दिया जाता है ये पेनल्टीज में करेंगे क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस बड़े सारे आते हैं और जब पेनल्टी में कराऊंगा तो इससे लिंक करा दूंगा अभी ये वाला छोड़ दीजिए एन एनी पीरियड ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन इज स्टेड बाय एन ऑर्डर और इंजंक्शन ऑफ द कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड आईसीआईसीआई बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए नाम याद करना है आपने आईसीआईसी बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसका नाम आपको याद करना है नेक्स्ट पेज पर आइएगा In the present case, order of assessment for assessment of 1516 was passed under 143.3 on assessment year 1516. 143.3 order passed 30th 117. Allowing the deductions under 3617, bad debt. 3617A मैंने बताया था कुछ फाइनेंशियल uh, इंस्टीट्यूशन के लिए बेड डेट की प्रोविजनिंग कर सकते हैं एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस तो ये तीन डिडक्शंस अलाउ कर दी गई बेड डेट प्रोविजन फॉर बेड डेट 36167A एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंस फर्दर ऑन टू टेन टू नाइनटीन

यानी 147 में इन तीन डिडक्शन की बात नहीं हुई सर्टन इनकम्स नॉट शोन बाय द अ वर अस अंडर 147 फोर्टी सेवन क्लियर लेटर द कमिश्नर पास एन ऑर्डर अंडर टू ऑन थर्टी वन थ्री ट्वेंटी वन फॉर डिस अलाउिंग

3617A ए प्रोविजन फॉर बेटर अलाउ गई फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अलाउ गई वन फोर्टी सेवन ने केस खोला वहां ये तीन आइटम्स के बारे में कुछ नहीं हुआ कुछ पुणे की इनकम एन असेस कर दी अब कमिश्नरों को पता चला कि 36.17 सिक्स वन ए फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डिसअलावेबल है और बिल्कुल सही डिसलाउड थी वो डिसलाउ होनी चाहिए थी इसलिए टू सिक्सटी थ्री ऑर्डर पास कर दिया और डिसलाउ कर दी इशू क्या है, बुक जो, जो है तो पता ये तो दो साल जो गिनेंगे टू सिक्सटी थ्री करने के लिए कहां से गिनेंगे हम यहां था? से या यहां 17 तो वाले से बिकॉज मिस्टेक किस ऑर्डर में है कौन सा ऑर्डर एरेनियस है 15, 15, 15. ये ऑर्डर है एंड दे सी आई टी द ऑर्डर ओनली अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन एंड दे दिस ऑर्डर ऑफ सी आई टी एंड टू सिक्सटी सी टाइम बार्ड यहां ए वन फोर्टी सेवन में दोबारा केस खोल सकता था यस yes, टू डेट एक्सटेंड वन फोर्टी सेवन इज मोस्ट पॉवरफुल बट यहां हम बात करें पॉवर्स ऑफ सी आई टी की पॉवर्स ऑफ सी आई टी ऊपर हेडिंग में देखिए मैंने क्या लिखा हुआ था पेज टू सेवन नाइन व पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑर्डर पास अंडर टू सिक्सटी थ्री बी रेकंड्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर पास पैदा यू अंडर वन फोर्टी थ्री Or from the order of reassessment passed under one forty seven where the subject matter of revision is different from subject matter of reassessment under one forty seven held the period of limitation in respect of order of commissioner under two sixty three in respect of a matter which does not form does not form the subject matter of reassessment, shall be reckoned from the date of the original order under 143 and not from the date of reassessment order under 147 therefore commissioner of income tax could have passed the order under 263 up to 31st march 19 and therefore the order passed on 31st march 21 is time barred and invalid Take ओके okay. एक ईशू आपको याद दिलाता हूं हम 144 फोर्टी ए कर रहे थे डायरेक्शंस बाय जेसी जहां आपका केस एसी डीसी आईटीओ हैंडल कर रहे हैं और ये करप्ट है और पैसा मांग रहे हैं डिडक्शन अलाउ करने के लिए जबकि आपके हिसाब से फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर अलाउड है ये एग्जांपल दिया था मैंने उस समय भी तो जेसी से आप डायरेक्शंस ले सकते हैं जेसी इनको डायरेक्ट कर देगा कि अलाउ कर दीजिए और ये लोग बाउंड है जेसी डायरेक्शन से उस समय हमने कहा था यहां पर ऑनेस्ट है जेसी ऑनेस्ट है ये करप्ट है आई थिंक वन ऑफ यू रेज द क्वेश्चन कि अगर ये करप्ट है ये करप्ट है और ये ऑनेस्ट है तो इसने असेसी ने एक पचास लाख की डिडक्शन क्लेम क्यों है बोगस एक्सपेंडिचर है बट करप्ट असी जेसी को ब्राइब कर देता है ईओ डिसलाउ करना चाहता है इसने इसको ब्राइब कर दिया डायरेक्शन दे दी कि अलाउ करिए अभी से अलाउ करना पड़ जाएगा बाइंडिंग है डायरेक्शन सेवन में खोल नहीं पाएगा बिकॉज़ इसने अलाउ किया, किया है यहां पर जो ईमानदार एसी डीसी आई टी ये क्या कर सकते हैं अपने सीआईटी के पास जा सकते हैं कि सर देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ है मैंने बताया था ना 263 क्यों लाया गया ताकि सारा लॉ एओ के हाथ में ना छोड़ा जाए अब जब एओ ही करप्ट है यहां पर ये वाला बड़े वाला एओ तो ये जो ऑनेस्ट एओ है जाके अपने कमिश्नर को बताएगा कि सर देखिए ये रिकॉर्ड्स है ये हुआ इस केस में तो कमिश्नर 263 में केस खोल देगा नोट नंबर वन पढ़िएगा

तो कितने साल के केसेस टू सिक्सटी थ्री में खोले जा सकते हैं टू ईयर्स इनडेफिनेट तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के लिए है टू ईयर्स इफ अ डिडक्शन इज रेट्रोस्पेक्टिवली डिसउड बाय द फाइनेंस एक्ट रिविजन अंडर टू सिक्सटी थ्री इज पॉसिबल अपू टू ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज वॉज पास 263 में सीआईटी कैन रिवाइज एनी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, चाहे 1433 हो 144 हो 147 हो या 153 हो पेज 280 पर जजमेंट देखिए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से है श्रीमती शोभा गोविल वेयर द कमिश्नर सेट असाइड।

ग्रीन वेजिटेबल बिजनेस देखिए अस्से दो बिजनेस कर रहा था एक तो कैटल फीड ग्रीन वेजिटेबल और, और दूसरा था उसका मैन था बिजनेस समझ में आ रहा है अस्से दो बिजनेस कर रहा था कैटल फीड वेजिटेबल बिजनेस और दूसरा था मैन था बिजनेस सीआईटी ने 263 में कहा कि इस बिजनेस की इनकम गलत असेस हुई है कम असेस हुई है और 263 में उसने ऑर्डर सेटिसफाइड किया एओ का और कहा कि इस इनकम को आप प्रॉपरली असेस करिए, फ्रेश असेसमेंट करेगा फ्रेश असेसमेंट कितने टाइम में होगी वन फिफ्टी थ्री थ्री लग जाएगा ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर अंडर टू सिक्स थ्री वॉज पास कमिश्नर एओ को था बिजनेस के भी कुछ एक्सपेंसेस मिलते हैं जो डिसलाउड हैं क्या उनको भी डिसलाउ कर सकता है yes, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि हायर अथॉरिटी अगर असेसमेंट सेटिसाइड करती है और जनरल डायरेक्शन देती है कि दोबारा से असेस करिए तो वो तो एओ कुछ भी कर सकता है बट अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन है देन एओ इज बाउंड टू फॉलो द स्पेसिफिक डायरेक्शन वे द कमिश्नर सैटसाइड दर्डर अंडर टू सिक्सटी थ्री ऑन इशूज रिलेटिंग टू पर्टल बिजनेस कैटल फीड वेजिटेबल बिजनेस ऑफ एन एस एंड द मैटर वॉज रिस्टोर टू द ए Can the EU make inquiries relating to another business, mentha business of the SESI? In respect of which original order passed by the AO has attained finality. The High Court held that since the objections raised by the commissioner in his showcase pertain only to cattle feed and green vegetable business, the EU's query should also be confined to. सच बिजनेस एंड कैनोट एक्सटेंड टू मैं बिजनेस द हाई कोर्ट हावर क्लैरिफाइड दैट इट इज ओपन टू दू टू रेज ऑल रेवन्यू इंक्वायरीजर्मिन इनकम विद रिगार्ड टू दैटल फीड एंड ग्रीन वेजिटेबल बिजनेस देन नॉट मेक इंक्वायरीज रिलेटेड टू मैं बिजनेस बिकॉज सी आई टी ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है कि ओनली कैटल फीड एंड वेजिटेबल बिजनेस एग्जामिन किया जाए नेक्स्ट भी आपके स्टडी मटेरियल से है मैं लेना नहीं चाहता था फॉर्मेलिटी के सेक पर लिया है पर मेरे हिसाब से लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है पढ़ लीजिए क्वेश्चन पढ़िएगा <coughs> <coughs> क्या आंसर आप लोगों का ये तो अमेंडमेंट से कवर्ड है ये तो अमेंडमेंट से कवर्ड है जजमेंट कोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है सो कैन द सीआईटी इन्वोक वोक रिविजनरी अंडर टू सिक्सटी थ्री वन द सब्जेक्टमेंट ऑफ रिविजन Has been decided by the CITPs and the same is pending before the tribunal. When the order of first appeal authority is complete and the appeal is pending before ITAT, the Commissioner is precluded, stopped from invoking section 263 for revision of the very same matter decided by the first authority since the law provides that commissioner can revise only those matters which have not gone for appeal. Take care. एक पास्ट या क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन मिलेगा सीआईटी ने 263 में सो so 1433 फोर्टी हुई सीआईटी ने 263 में ऑर्डर पास किया 1433 फोर्टी थ्री थ्री कर दी और कहा कि फ्रेश असेसमेंट करिए एओ ने फ्रेश असेसमेंट कर दी किस सेक्शन में 143, 143 में <coughs> असेसी इस फ्रेश असेसमेंट से सेटिसफाइड नहीं है असेसी इस फ्रेश असेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है अपने सीए से पूछता है मैं क्या करूं सीए कहता है कि अपील करिए टू आई टी ए टी क्या सीए की एडवाइस सही है नो बिकॉज ऑर्डर ऑफ असेसमेंट सीए कहता है कि सिंस 1433 ऑर्डर पास किया गया बिकॉज ऑफ 263 ऑर्डर इसलिए अपील जाएगी आई टी में क्या लिखेंगे आंसर आप 263 के अगेंस्ट अपील थोड़ी कर रहे हैं अगर 263 के आप अगेंस्ट अपील करते हैं तो अपील जाती है आईटीआईटी में yes, यहां तो अपील कर रहे हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ यू ऑर्डर ऑफ यू अगेंस्ट विच द अपील विल गो टू तो? सी आई टी अपील क्लियर हमने जब पहली क्लास शुरू की थी हमने जब पहली क्लास शुरू की थी हमने कहा था कि एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट तीन रेमेडी होती है 154, सीआईटी पील्स, 264। मैंने ये बॉडी लैंग्वेज यूज की थी कि जस्टिस के दो दरवाजे हैं अपील रिविजन एक ही डोर खोल सकते हैं अपील डोर खोल लिया रिविजन बंद रिविजन खोल लिया अपील बंद कहा था पूछिए मत रट लीजिए ठीक है मैंने यह भी कहा था कि 264 ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होता है इसके अगेंस्ट इस कोई अपील पॉसिबल नहीं होती ठीक अब हम करने जा रहे हैं टू सिक्सटी फोर और मैंने क्या बताया था टू सिक्सटी फोर में कमिश्नर एओ को ऑर्डर रिवाइज करता है और एस को रिलीफ देता है या फिर एओ को ऑर्डर फॉर्म कर देता है कि ठीक है ऑर्डर रिविजन ऑफ अदर ऑर्डर्स एक मिनट जैसे मैं कहता हूं वैसे पढ़िएगा इन केस ऑफ एनी ऑर्डर नेक्स्ट लाइन इन केस ऑफ एनी ऑर्डर नेक्स्ट लाइन पास्ट बाय एन अथॉरिटी सब टू कमिश्नर हु इज दिस पास बाय एन अथॉरिटी सब ऑर्डिनेटू कमिश्नर एसेसिंग ऑफिसर सो इनकेस ऑफ एन ऑर्डर पास बाय एन अथॉरिटी सब ऑर्डिनेटू कमिश्नर मींस एओ यानी टू सिक्सटी फोर में ही कैन रिवाइज द ऑर्डर ऑफ एओ ही मे आदर ऑफ इज ओन मोशन क्या सीआईटी टू सिक्सटी फोर सो मोटो कर देता है सिम्पेटिक केसेस में असएसी को जबरदस्त डिसलवेंसेस कर दिए एओ ने एसएससी के केस में एओ ने बहुत जबरदस्त डिसलवेंसेस कर दिए ये माइनर बच्चे हैं एसएसी ये माइनर बच्चे हैं इसलिए अपील भी नहीं कर पाते और कमिश्नर को इस केस का पता चलता है कि इस तरह से इनजस्टिस हुआ है और जो एओ था उसने एस से बदला लेने की वजह से ब्राइब मांगी थी जो भी था कर दी जो अनजस्टिफाइड थी तो उन सिंपेथेटिक सी आई टी सी मोटो बेहक कर सकता है सो इन केस ऑफ एनी ऑर्डर पास बाय द ए सी आई टी मे आइदर ऑफ इज ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन मेड बाय कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द इन विज द ऑर्डर इन पास एंड मी मेक फर्दर इंक्वायरी बताया सिंपथेटिक मैंने बताया आप सो आई नो फ केस जहां एक वीडियो कॉन का एम्प्लॉय था जहां ईओ से उसकी खुद नक हो गई थी एडिशन कर दिए थे बाद में दैट इंप्लॉय कमिटेड सुसाइड और जब ये बातें मीडिया में थी, सी आई थी तो अब सीआईटी ने सोमोड एक्ट किया था अंडर टू सिक्सटी फोर कंफ्यूज मत होइएगा लिखिए टॉप वेन यू रीड सेक्शन 263 मैं लास्ट टू लास्ट बेच तक हिंदी में लिखवाता था इसे कि जब आप सेक्शन 263 पढ़ेंगे तो कुछ बच्चे हैदराबाद और बेंगलोर के उनके बड़े ऑब्जेक्शन आए कि आप पहले हिंदी से आप टॉर्चर करते थे बोलने में आपने लिखवाना भी शो कर दिया इत समथिंग लाइक आपको हम कन्नड़ पढ़ा रहे हैं कि कन्नड़ पढ़ो आप वेन यू रीड सेक्शन टू सिक्सटी थ्री जब आप टू सिक्सटी थ्री पढ़ेंगे मानिएूम नहीं लिखे ना आपका माइंड सेट होना चाहिए आपके माइंड सेट में बिठा लीजिए ऑर्डर ऑफ ए मर्जेस पार्शली विद ऑर्डर ऑफ या अथॉरिटीज लाइक सी आई टी बीस सी आई टी लास्ट डे एग्जाम का जब होता है कम से कम तीस चालीस फोन इसी बात पर आते हैं कि सर नहीं आ रहा सब गड़बड़ हो रहा है यहां पर तो जितनी गड़बड़ करनी हो अभी कर लेंगे जितनी गड़बड़ करनी हो अभी कर लेंगे तो जब भी 263 सिक्सटी पढ़ेंगे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि 263 सिक्सटी पढ़ेंगे तब कि एओ को ऑर्डर हायर था में मर्ज करता है लेकिन पार्सअली मर्ज करता है जो मैटर्स हायर थॉर्टी ने डिसाइड कर दिए हैं, वो मार्च हो जाते हैं वैन यू रीड सेक्शन 264 आपका माइंडसेट होना चाहिए When you read section 264, your mindset should be order of AO merges totally with order of higher authorities like CIT appeals. CIT, ठीक है तो देखिए कभी भी पार्शल मजर टोटल मजर की बात मत करिए जब 263 पढ़ेंगे तो दिमाग में रखिए दिमाग में रखिए कि एओ का ऑर्डर हायर थॉट में मर्ज करता है पार्शली 264 जब पढ़ेंगे तो दिमाग में रखिए कि एओ का ऑर्डर टोटली मर्ज कर जाता है विद हायर थॉटिंग ए ने डी ई डिसउड डिसउड अलाउड अलाउड आपने सी आई टी पे अपील कर दी ए बी के अगेंस्ट क्या सी आई टी टू सिक्सटी थ्री में डी ई डिस कर सकता है आराम से कोई कंफ्यूजन नहीं आराम से कर लीजिए जो मैंने स्टेटमेंट दी कि बच्चे मुझे लास्ट डे फोन करते हैं भूल जाइए सब कुछ आप लोग ढंग से समझेंगे कभी फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बताइए ना कर सकता है क्योंकि 263 में लिखा हुआ है कि सी आई टी टू सिक्सटी में डिसाइड कर सकता है वो मैटर जो अपील में ना गए हो यानी 263 में जब मैं पढ़ूंगा सी आई टी ए ऑर्डर रिवाइज करता है तो मैं यह दिमाग में रखूंगा कि एओ कॉर्न मर्ज होता विद सीआईडी ओनली पार्शली टू थ्री पॉसिबल है टू सिक्स थ्री में लिख दिया गया ए बी सी डी से कर दिए मैंने इसके अपील कर दी भूल जाइए मैंने आप पहली, पहली क्लास में क्या बताया था आपको भूल जाइए मैंने पहली क्लास में क्या बताया था अपील कर दी आप, आप बताइए इसके लिए आप 264 में जा सकते हैं या नहीं टू सिक्सटी फोर पढ़िए अपने सामने रखिए 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 टू सिक्सटी फोर में एओ क्या रिवाइज सी आई टी क्या रिवाइज करता है ऑर्डर एओ 264 पर तोक पॉइंट में क्या क्या बोलेंगे प्रिजंपशन कि एओ का ऑर्डर टोटली मर्ज कर दिया है अथॉरिटी यानी ये ऑर्डर इसे मर्ज करके या देयर फॉर 264 इज नॉट पॉसिबल एट ऑल अभी आपको लॉ में लिखा दिखाऊंगा दिखा। ये बात लॉ में लिखा होगा कि, कि जहां आपने अपील कर दी सीआईआईटीपील्स को वहां 264 क्लोज्ड टोटल मैटर अफर्मड टोटल मजा रफार्म चलिए कन्फ्यूज करता हुआ ए ओ ऑर्डर ए बी सी डी अलाउड अलाउड डिस अलाउड 263 टू सिक्सटी थ्री में वन वन ट्वेंटी को सीआईटी ने ए बी डिस कर दिए कर सकता है अब 264 में कमिश्नर 1121 को सी डी अलाउ करना चाहता है आराम से कोई जल्दबाजी नहीं टू सिक्सटी तो फोर मैं आपके सामने खोलता हूं नौ में द स सी आई टी कैन रिवाइज द ऑर्डर ऑफ एओ अंडर टू सिक्सटी फोर अब सी आई टी ऑर्डर ऑफ एय रिवाइज कर सकता है 264 पढ़ने के लिए क्या माइंड में लूंगा मैं ये ऑर्डर हाई थॉर्ट में मर्ज हो चुका है पूरी तरह से दे टू सिक्सटी फोर इज नॉट पॉसिबल ये ना हायर थॉट सीआईटी बट ये ऑर्डर इसमें मर्ज कर गया ना But, workshop... नहीं, नहीं, नहीं नहीं एक आप मेरी बात इसलिए विश्वास नहीं करें क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं कर रहे लेट्स लेट्स इट्स अ हेल्दी डिस्कशन हायर अथॉर्टी सी आई टी है ना तो गया तो गया तो तो को है तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो आपको कंसेप्ट बता रहा हूं मैं तो कंसेप्ट बता रहा हूं कि 264 में सी आई टी कैन रिवाइज ऑर्डर ऑफ बट ये ऑर्डर ऑफ है तो इससे मार्च कर टोटल मच सिक्सटी फोर में कन्विंस करूंगा आपको कन्विंस करूंगा आज तक जो भी मैंने कहा कन्विंस किया आपको ए ओ ए बी सी डी अलाउड अलाउड डिस अलाउड डिस अलाउड टू सिक्सटी फोर हो गया वन वन ट्वेंटी को सी डी अलाउ कर दी गए अब 263 करना चाहता कमिश्नर 1121 को ए बी डिसलाउ करना चाहता है कर सकता है या नहीं जो मैंने आपको लिखवाया वो पढ़ लीजिए टू सिक्सटी तो थ्री करने बैठे आप माइंड सेट है कि ये ऑर्डर हायर थॉर्टमी मर्ज किया लेकिन पार्शली मर्ज किया मर्च है यानी सिर्फ तो सी डी मर्ज हुए हैं यानी टू सिक्सटी थ्री में ए एंड बी बेसिकली लॉ मेकर्स ने टोटल मर्जर पूरे 264 में बिल्ड में बिल्डअप किया अब सेक्शन पढ़ना शुरू कर दीजिए जो मैंने छुड़वाया था वो भी पढ़ लीजिए अब आप वेट तो करिए एक मिनट प्लीज रिफ्रेशन ऑफ अर्डर ऑर्डर सो कमिश्नर 264 में क्या रिवाइज कर सकता है एनी ऑर्डर अदर देन टू विथ सेक्शन टू सिक्सटी थ्री अप्लाइज का ऑर्डर का टू सिक्सटी थ्री हो गया है टू सिक्सटी फोर में रिवाइज नहीं हो सकता बिकॉज टू सिक्सटी फोर के लिए हम टोटल मर्जर मानते हैं ये माना जाएगा ये ऑर्डर टोटल इसमें मर्ज कर गया है 264 को पढ़ने के लिए माइंड सेट रखेंगे कि छोटा ऑर्डर बड़े ऑर्डर में टोटली मर्ज कर जाता है इन केस ऑफ एनी ऑर्डर सो टोटल मर्ज आप बिल्डअप कर रहे हैं। इन केस ऑफ एनी ऑर्डर अदर देन एन ऑर्डर टू वे सेक्शन टू या थ्री अप्लाइज पास्ट बाय एन अथॉरिटी सब टू कमिश्नर पास बताइए ही मे ही मतलब कमिश्नर ही मतलब कमिश्नर ही मे आइदर ऑफ इज ओन मोशन और एप्लीकेशन मेड बाय दॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द सेट एन दिस ऑर्डर इज बिन पास मे मेक फर्दर इंक्वायरी पॉइंट टू देखेगा दे आर आफ्टर द कमिश्नर मे पास एन ऑर्डर नॉट बिंग एन ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द से यानी कोई ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू से नहीं पास करेगा इस सेक्शन में

एवर आफ्टर रिविजन अंडर टू सिक्सटी फोर रिविजन अंडर टू सिक्स इज पॉसिबल ध्यान में रखिए सी आई टी टू सिक्सटी थ्री में रिवाइज करता है ऑर्डर ऑफ एओ टू सिक्सटी फोर में रिवाइज करता है ऑर्डर ऑफ एओ टू सिक्सटी थ्री पढ़ने के लिए हम मानेंगे कि ए का ऑर्डर पार्सली मार्च करते हैं अमेनमेंट भी आ गई थी टू सिक्सटी फोर इन्होंने इस तरह से मनमेंट कर दी कि टोटल मजा कर दिया कि जहां टू सिक्सटी थ्री में चले गए उसके बाद टू सिक्सटी फोर इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि हम मान लेंगे कि एओ को ऑर्डर टू सिक्सटी थ्री वाले ऑर्डर में पूरी तरह से मर्ज कर गया है टोटल मजा बिल्डअप कर दिया सेक्शन में कंसेप्ट क्लियर है ना इलास्ट्रेशन एन ऑर्डर अलाउज ए बी सी डिस में रिविजन करता है, आगे मत इसके बाद 264 है या नहीं पॉसिबल बिकॉज टू सिक्सटी फोर में ऑर्डर ऑफ ए रिवाइज किया जाता है और टू सिक्स फोर को पढ़ने के लिए हम मानते हैं कि ए का ऑर्डर बड़ी थॉर्ट मर्ज कर गया है रिविजन अंडर टू सिक्सटी फोर इज नॉट पॉसिबल ऑन एनीर अलाउस ए बी सी डीएनई उल्टा केस कमिश्नर टू सिक्स एंड अलाउज डीएनई अब सी आई टी टू सिक्सटी थ्री करना चाहता है इसके बाद कर सकता है वहां तो अमेंडमेंट भी थी कि ही कैन रिवाइज ऑल मोटर्स एक्सेप्ट दोज ट हे मेन डिसाइडेड कंसिडर इन अपीलेशन नाउ कमिश्नर टू सिक्सटी थ्री कैन रिवाइसा एबीसी क्लियर जब भी कभी डाउट आया जो मैंने लिखवाया था ना योर माइंड सेट वो पढ़ लीजिए करेक्ट एक मिनट एक मिनट ये कह रहे हैं 264 फाइनल ऑर्डर होता है एओ ने ए बी सी अलाउड अलाउड डिस अलाउड इसके लिए आप 264 में चले गए अलाउ कर दिया देन ठीक है 264 में सी अलाउ कर दिया उसने अब फाइनल ऑर्डर हो गया अब एक मिनट इनको डाउट आ रहा है कि हमने कहा था 264 सिक्सटी फोर इज अ फाइनल ऑर्डर नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट इट, आज भी मैं मेंटेन कर रहा हूं नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट इट अभी आपको लॉ में लिखा दिखाता हूं बट कमिश्नर को पता चलता है कि ए बी फ्रॉड से क्लेम की गई थी क्या अब कमिश्नर 263 में ए बी डिसव कर सकता है यस yes. कोई अपील थोड़ी हो रही है टू सिक्सटी फोर ऑर्डर अगेंस्ट एक, एक मिनट प्लीज क्लियर है और क्या चीज क्लियर नहीं है टू सिक्सटी फोर हो गया उसके बाद टू सिक्सटी थ्री हो सकता है फॉर डिफरेंट आइटम्स आप बताओ यहां आप चलेगा आईटीआईटी में ठीक है अगेंस्ट अपील हो गई आगेस आगेस। क्या बोल रहे हो आप प्लीज 263 के अगेंस्ट तो अपील पॉसिबल होती है क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप प्लीज एक मिनट रुकिए अब हम 264 पढ़ रहे हैं चलिए भूलते हैं 260 सिक्सटी छोड़ते हैं एक एक मिनट रुकिए 263 263 में कमीशन इनकम बढ़ाता है मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ अपील टू कर सकता हूँ या नहीं कर गर सकते हैं। फिर दिक्कत क्या है हाँ तो 264 के अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है या मैं अपील कर रहा हूँ तो 263 सिक्सटी थ्री ऑर्डर के अगेंस्ट आप बताओ क्या बात कर रहे हो आप ये बता तो रहा हूँ एग्जाम्पल से है 264 में रिवीजन हो गया उसके बाद 263 में ए भी डिसलो कर सकता है रिवीजन करके रिवीजन मींस 263 रिवीजन 264 रिवीजन की बात कर रहे हैं हम नहीं आ रहा समझ में यस सर आप मान सो 264 जिस इशू पर फाइनल हुआ है 264 के अगेंस्ट अपील पॉसिबल नहीं है दे आर आफ्टर द कमिश्नर मे पास एन ऑर्डर नॉट बिंग एन ऑर्डर प्रिजुडिशियल टू द एस एस सी यानी कमिश्नर कोई टू सिक्सटी फोर में ऑर्डर प्रेजुडिशल टू एस एस सी पास नहीं कर सकता क्लियर yes, है ईओ yes, e. ने मुझे बिल्डिंग पर टेन परसेंट एप्रीसिएशन अलाउ की मैं टू फोर में कमिश्नर के पास किया सिक्स परसेंट दीजिए आप अब कमिश्नर मना नहीं कर सकता बिकॉज लॉ में लिखा है ऑल दो एर्डर बिल्कुल सही है मैं कहता हूं जी आप अब ऑर्डर प्रेजुडिशल पास नहीं कर सकते मेरे अगेस्ट इसलिए आपको डिडक्शन देनी पड़ेगी सिक्सटी परसेंट तो बताइए अगर सीआईटी टू सिक्सटी फोर में ऑर्डर पास करता है कि जो ए ने ऑर्डर पास किया बिल्कुल ठीक है मैं उसमें इंटरफेरेंस जरूरी नहीं समझता तो क्या यह ऑर्डर प्रिज्यूडिशियल व तो ऐसी माना जाएगा नहीं माना जाएगा लॉ में लिखा गया यह बात लॉ में यह बात लिखी गई देखिएगा पेज 284 एटी फोर पॉइंट एट पेज 284.8 एन ऑर्डर बाय द कमिश्नर अंडर दिस सेक्शन वेयर बाईं टू इंटरफेयर शेल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर प्रोजुडिशल टू द असेसी तो अगर सी आई टी टू सिक्सटी फोर में ऑर्डर पास करता है कि ऑर्डर ऑफ यो करेक्ट है मैं उससे इंटरफेयर नहीं कर रहा दैट ऑर्डर विल नॉट बी डीम टू बी प्रोजुडिशियल टू दी हाथ के हाथ पॉइंट सेवन पढ़ लीजिए 264 के साथ पांच सौ रुपए फाइलिंग फीस आती है 264 के साथ फाइलिंग फीस आती है पांच सौ रुपए एम में एग्जामिनर पूछ सकता है तीन रेमेडीज होती है 154, फाइव फोर अपील टू यहां फाइलिंग फीस आती है पांच सौ रुपए यहां फाइलिंग फीस आती है यहां फाइलिंग फीस होती है या नहीं यहां तो होती है प्लीज 154 means there is no filing fees. 154 is free of cost. Are you page 283 per? So each weight point. This is building depreciation ten percent or prejudicial name. एओ ने ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर डिसलाउ कर दिए ऑन द ग्राउंड आप घूमने गए थे बाहर आपने अपील नहीं की 264 में कमिश्नर के पास चले गए कि मेरे ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है कमिश्नर कहता है जी नहीं मेरे हिसाब से भी पर्सनल एक्सपेंडिचर है ये एंड दे आई डिक्लाइन टू इंटरफेयर ऑर्डर ऑफ एओ। तो ये ऑर्डर कमिश्नर का प्रजुडिशियल टू रेवेन्यू टू एस नहीं माना जाएगा वापस आइए पेज 283 पर आपको समझ में आ रहा है मैं 264 की क्वेरीज क्यों नहीं आंसर करता था पहले आप देखिए आज हमने लास्ट क्लास में भी एक घंटा लगाया था 263 पर आज भी हमारा एक घंटे से ऊपर लग चुका है स्टिल 263 64 चल रहे हैं और मैंने पहली क्लास में आपसे 30 सेकंड में कंसेप्ट करा दिया था और कहा था तीन घंटे बाद में लगेंगे आपको आप देखिए एग्जैक्टली तीन घंटे लगेंगे पता ये 264 में सीआईटी क्या रिवाइज करता है ऑर्डर ऑफ एओ क्या इंटीमेशन डीम्ड इंटीमेशन अंडर 147 फोर्टी ऑर्डर होती है उसको रिवाइज नहीं कर सकते इंटीमेशन डीम्ड इंटीमेशन के अगेंस्ट क्या रेमेडी होती है आपके पास 154 एंड अपील टू सी आई अंडर 264 ओनली द ऑर्डर ऑफ एओ कैन बी रिवाइज्ड Intimation deemed intimation under 147 is not an order and therefore it cannot be revised under section 264. CIT under 264 can declare the assessment to be void ab initio. याद है हमने कहा था ना कि assessment time limits के बाद हुई है। yes, आपने कहा था void है मैंने कहा fallout effect देंगे आप? Yes. मैंने कहा नहीं या तो appeal में चाहिए वहाँ से void declare करवाइए। या 264 फोर में जाके वॉइडिक्लेयर कराइए देखिए सब कुछ लिंक होता जा रहा है और जब पास क्वेश्चन करेंगे आपको अटमोस्ट कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैंने जान बुझ के कुछ क्वेश्चंस पुराने चैप्टर्स के पुराने चैप्टर्स में ना लेके इसमें डाले हुए हैं इंटेंशनली सी आई टी अंडर टू सिक्सटी फोर कैन डिक्लेयर द असेसमेंट वी वॉड एबीनिशो

जहां ईओ का ऑर्डर कैंसिल किया गया उसे दोबारा करके लगे असेसमेंट अलाउ कर दीजिए एक्सपेंसिस अब फ्रेश असेसमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है आप अपील कहां जाएगी फ्रेश असेसमेंट के अगेंस्ट सी आई टी अपील अभी ऐसा केस मैंने कराया तो था आपको टू सिक्सटी थ्री वाला अगर कमिश्नर सो मोटो रिविजन करना चाहता है तो मैक्सिमम वो एक साल तक कर सकता है द कमिश्नर शेल नॉट ऑफ इज ओन मोशन रिवाइज एनी ऑर्डर इफ द ऑर्डर मोर देन वन ईयर प्रीवियसली अगर सो मोटर रिविजन करना चाहता है तो उसे एक साल के अंदर ऑर्डर पास करना पड़ेगा जब 143 फोर्टी थ्री थी असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ था वहां से एक साल के अंदर उसे रिविजन ऑर्डर पास करना पड़ेगा फोर देखिएगा इन केस एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन इज मेड बाय द द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट द ऑर्डर वॉज कॉम्युनिकेटेड टू हिम विच ऑर्डर ईओ का से ऑर्डर केस एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन इज मेड बाय द से

अगर वो मोटो रिविजन करना चाहता है सी तो ऑर्डर कब तक पास करना होगा छब्बीस बारह दो हजार इक्कीस तक <coughs> बताइए ना और अगर एप्लीकेशन एस देना चाहता है देन सर्विस वाले दिन को एक्सक्लूड कर देते हैं हम उन्तीस बारह को सर्विस भी एक्सक्लूड कर दीजिए वहां से एक साल उनतीस बारह दो हजार इक्कीस ठीक पॉइंट फाइव हाउ एवर इफ द कमिश्नर सैटिस्फाइड प्रिवेंटेड बाई सफिशियंट कॉज फ्रॉम मेकिंग एप्लीकेशन इन सेट वन ईयर ही मे एडमिट द एप्लीकेशन इवन आफ्टर वन ईयर पॉइंट थ्री फोर फाइव पढ़िएगा लॉ में कमी है कुछ पॉइंट थ्री फोर फाइव पढ़िएगा लॉ में कुछ कमी है पॉइंट थ्री में टाइम लिमिट है सो मोटो रिविजन ऑर्डर पास करने की पॉइंट फोर में क्या टाइम लिमिट है एप्लीकेशन देने की लॉ में क्या प्रिस्क्राइब नहीं था टाइम लिमिट फॉर पासिंग द ऑर्डर टू सिक्सटी फोर लॉ में टाइम लिमिट नहीं थी फॉर पासिंग द ऑर्डर अंडर टू सिक्सटी फोर कमिश्नर टू सिक्सटी फोर के ऑर्डर पास ही नहीं करते थे सालों साल एप्लीकेशन रख के बैठे रहते थे इसलिए अमेंडमेंट आई कि कमिश्नर को रिवेशन ऑर्डर पास करना पड़ेगा एक साल के अंदर एक साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एप्लीकेशन फॉर रिविजन इज रिस हेम और अगर कमिश्नर ने एक साल के अंदर रिविजन ऑर्डर नहीं पास किया तो क्या होगा जो आपने रिलीफ मांगे हैं यह माना जाएगा आपको अलाउ हो गए एंड नाउ कमिश्नर इज बाउंड टू पास द ऑर्डर विद इन वन ईयर पॉइंट नंबर नाइन देखिएगा पॉइंट नंबर नाइन देखिएगा ऑन अ रिवीजन एप्लीकेशन मेड बाय द असेसि अंडर 264 एन ऑर्डर शेल बी पास बाय सीआईटी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन अंडर 264 इज मेड बाय द असेसि इन कंप्यूटिंग द लिमिटेशन पीरियड टाइम टेकन इन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी रीहार्ड अंडर प्रोविशन टू वन ट्वेंटी नाइन humne karna hai या फिर आपने कोई स्टे वगैरह ले लिया था वो एक्सक्लूड कर देंगे नोट नंबर टू पर ये क्या लिखा हुआ है वेयर कमिश्नर फेल्स टू पास एन ऑर्डर विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ वन ईयर तो क्या होगा मोस्ट टेंट मार्क करिए कमिश्नर फेल्स टू पास एन ऑर्डर विद इन पीरियड ऑफ वन ईयर द एप्लीकेशन फॉर रिविजन ऑफ द बी डी टू हैव बीन अलाउड एंड ऑल कॉन्सिक्वेंस विल फॉलो अकॉर्डिंगली क्लियर फॉर एक्साम्पल एप्लीकेशन अंडर 264 सिक्सटी फोर इज मेड ऑन सत्ताइस तीन बीस रिविजन ऑर्डर कब तक पास होना चाहिए इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस अगर रिविजन ऑर्डर पास नहीं हुआ तो क्या होगा इट शैल बी डीम्ड दैट ऑल द रिलीफ क्लेम इन द एप्लीकेशन इन दीकेशन अंडर टू सिक्स है नोट वन पढ़िएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर टू सिक्सटी फोर ये बात पहली क्लास से रटा रहा था आपको मैं ये अब नाउ आप पोजीशन में आ गए हैं मेरी क्वेरी आंसर करने के लिए मैंने 264 मूव किया रिलीफ मुझे मिलना चाहिए था सी बेवकूफ था उसने कहा आई डिक्लाइन टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर ऑफ एओ और ए सही किया है रिलीफ नहीं दिया मुझे 264 ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकता वॉट रेमेडी डू आई है सो नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर 264 चंद्रहंस आपने पहली क्लास में एक वरी रेस करने की कोशिश की थी मैंने कहा था प्लीज आ, अभी रुक जाइए तीस पैंतीस क्लास लगेंगे इसमें आंसर मिल गया आपको नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट एन ऑर्डर फोर नो अपील इज पॉसिबल अगेंस्ट द दू सिक्स फोर वेदर सी आई टी टोटली रिजेक्टेड द एप्लीकेशन बाय पासिंग एन ऑर्डर और ग्रांटेड अ रिलीफ पार्शली

पासिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन फोर पॉइंट नंबर थ्री है इफ देर इज अस्टेक अपर फ्रॉम रिकॉर्ड इन दर पास अंडर सेक्शन टू सिक्सटी फोर सी आई टी विस्टेक अंडर टू सिक्सटी फोर बाइ पासिंग अब ऑर्डर फोर इधर देखिएगा प्लीज वन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एओ ने दस करोड़ की एडिशंस कर दी 1433 फोर्टी डिमांड नोटिस भी मुझे उस दिन आ गया ठीक मैंने 10 वन 2021 को 264 मूव कर दिया फिफ्टीन वन टू थाउजेंड नोट मत कीजिएगा नोट नहीं करेंगे आप फिफ्टीन वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को सीआईटी का ऑर्डर आ गया टू सिक्सटी फोर में जहां वो कहता है अलाउ नहीं कर रहा मैं अब मैं बाईस तारीख को अपील फाइल कर देता हूं सीआईट अपील्स में ईओ के ऑर्डर अगेंस्ट क्यों नहीं कर सकता ये कह रहे टू सिक्सटी फोर ऑर्डर फाइनल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते मैं तो अपील टू सिक्सटी फोर का ही नहीं रहा।, तो कर रहा मैं तो वन फोर्टी थ्री थ्री कि अपील कर रहा हूं ये कह रहे ये ऑर्डर इसे मर्च कर गया है ये तो मैंने बताया था लॉ में कहां लिखा हुआ ये मैं गलत भी तो बता सकता हूं आपको अभी जो आपने सीआईटी पी एस पढ़ा था लास्ट क्लास में अपील कर सकते सी आई को एनी ऑब्जेक्शन कोशन वाली ऑब्जेक्शन है कि ये इसे मर्ज कर गया ये तो मैंने बताया ना आपको हो सकता मैं ऐसे ही बता रहा था आपको मैं कोई अथॉरिटी थोड़ी हूं अब आप कहेंगे आपने पहली क्लास में बताया था कि जस्टिस के दो दरवाजे अपील रिविजन मैंने कहा बाद में डिस्कस करेंगे हो सकता पहली क्लास भी गलत होती गलत थी हमारी लॉ मेकर्स कहते हम ये सिचुएशन अराइज होने ही नहीं देंगे सो so, हमने जो किया सब सही है जो आप कह रहे हैं सब सही है लॉ मेकर्स कह रहे हैं यह सिचुएशन हम अराइज होने ही नहीं देंगे लॉ कहेगा कि अगर आपने सीआईटी अपील्स को अपील कर दी 264 पॉसिबल नहीं है या तो उल्टा केस हो रहा है लॉ कहेगा हम सीआईटी के 264 पावर छीन लेते हैं लॉ कहेगा भी हम सीआईटी के 264 की पावर छीन लेते हैं जब तक अपील फाइल करने का टाइम नहीं निकलता यानी अगर अपील का टाइम बचा हुआ है तो सीआईटी 264 नहीं काट सकता हम लॉ में लिख देते हैं तो लॉ में लिखा गया लॉ में लिखा गया कि जब तक अपील का टाइम नहीं निकल जाता सीआईटी को हम 264 नहीं करने देंगे ताकि ऐसी बना दे ऐसे तो देखिए हमने जो शुरू से किया वो आज तक सही है जस्टिस के दो दरवाजे यस आई दफ द टू आप कहते टोटल मजा यस, yes, टोटल मजा है बट लॉ में अब टोटल मजा कैसे बिल्डअप करते देखिए वो कहते हैं <coughs> अगर आपने अपील कर दी सीआईटीपीस को तो 264 पॉसिबल नहीं और अगर अपील करने का टाइम नहीं निकला अभी तो हम 264 करने नहीं देंगे सीआईटी अगर सीआईटी इस दिन 264 करना चाहता है तो पहले आपसे एक एफिडेविट ले ले और आपका राइट अपील वेव करा दे यानी हम 30 दिन जो अपील का टाइम होता है उसमें 264 तब करने देंगे अगर असेसी अपना राइट अपील वेव कर देता है लिख के अंडरटेकिंग देता है एफिडेविट देता है कि मैं अब अपील नहीं करूंगा CIDPILS में एंड जो हमने पहले कहा था वो देखिए पूरी तरह से फॉर्म हो गया टोटल मर्जरी बिल्डअप कर रहे हैं पॉइंट सिक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए इन द फॉलोइंग केसेस अंडरलाइन द वर्ड्स द कमिश्नर शेल नॉट रिवाइज द ऑर्डर शेल नॉट उसकी पॉवर खत्म कर रहे हैं इन द फॉलोइंग केसेस द कमिश्नर शेल नॉट रिवाइज द ऑर्डर पहले पॉइंट टू पढ़िए पहले पॉइंट टू पढ़िए क्या लिखा हुआ है वेयर द ऑर्डर हैजबीन मेड सब्जेक्ट ऑफ एन अपील टू सीआईट अपील आपने अपील सिर्फ एक इशू पे किया तो क्या होगा यह बड़ा फेवरेट फेवरेट क्या मतलब लाइन मिलेगी लाइन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये वाले एओ ने ए बी सी डिस कर दिए आपने इसके अगेंस्ट अपील कर दी फिर आपको याद होता फिर आपको याद होता है कि सी डी अलाउबल है इसके लिए आप टू सिक्सटी फोर करना चाहते हैं कर सकते हैं या नहीं नहीं कर, सकते। नहीं कर सकते टोटल मर्जर हो गया तो टोटल मर्जर इस पॉइंट से बिल्टअप हो गया पॉइंट टू टो से टोटल मर्जर पॉइंट टू से बिल्टअअप हो गया देखिए जो कंसेप्ट आपको करा रहा हूं इसलिए करा रहा हूं कि कोर्स इतना ज्यादा है आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी है रटेंगे सब मिक्सअप कर जाएंगे समझ के करेंगे पूरी जिंदगी याद रहेगा आपको सो वे आर द ऊपर से आर इन केसेस द कमीशन शेल नॉट रिवाइज ऑर्डर कर ही सकता रिवाइज किसी भी पॉइंट रिवाइज नहीं कर सकता अगर ऑर्डर हैज बीन मेड सब्जेक्ट ऑफ एन अपील टू द सी आई अगर किसी भी इशू पे आपने अपील कर दी सी आई पी एल्स को हम 264 टोटल मर्जर मानते हैं अब कमिश्नर रिविजन कर ही नहीं सकता फॉर द द स्टेटमेंट मेड इन फर्स्ट क्लास जस्टिस के दो दरवाजे अपील रिविजन अपील खोल दिया रिविजन क्लोज कर दिया बंद रिविजन पॉइंट वन ऊपर से पढ़ते आ रहे इन द फॉलोइंग केसेस द कमिश्नर शेल नॉट रिवाइज ऑर्डर शेल नॉट बना करे कि पॉवर खत्म करे उसकी वेर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर लाइस टू सी आई टी पी बट हेज नॉट बीन मेड अपील लाए करती है सीआईटी पीस को आपने किए नहीं है एंड द टाइम इन विस्ट सच एन अपील मे बी फाइल इज नॉट एक्सपायर्ड तो यहां जो मैं केस ले रहा था टू सिक्सटी फोर पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज टाइम फॉर फाइलिंग द अपील इज नॉट एक्सपायर्ड Six के वन में आ जाएगा ये या फिर हैज नॉट वेव्ड हिज राइट टू अपील यानी इस दिन कमिश्नर सॉरी नहीं था सॉरी ओके जो हम एग्जांपल ले रहे थे ना तो अपील आ, का टाइम नहीं निकला है तो 264 का राइट खत्म करे कमिश्नर का 264 तब कर सकता कमिश्नर अगर एस ने अपना राइट टू अपील वेव कर दिया क्लियर टोटल मर्जा पूरा बिल्डअप कर दिया अपील्स रिविजन अपील में चलेगा रिविजन बंद और रिविजन में जा रहे हैं वो तो अपील अगर टाइम निकलता तभी तो जाते हैं हम लोग

नेक्स्ट पेज पर देखिए इलास्ट्रेशन आई डोंट वॉन्ट इफ्स एंड बट स्टेट आंसर येस और नो इफ एंड बट नहीं लगाएंगे आप स्पेश चंद्रज वेदर रिवेशन अंडर टू सिक्सटी फोर इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग केसेज एओ हेज मेड द ऑर्डर नो अपील इन फाइल टू सी इट अपील एंड टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग अपील इज नॉट एक्सपायर्ड नॉट पॉसिबल अपील नीचे लिखिए एओ ने एक्सपेंस ए एक्सपेंस बी एक्सपेंस सी डिसलाउ कर दिए डिसलाउ कर दिए डिसलाउ कर दिए आपने इसके से अपील कर दी क्या होगा टू सिक्सटी फोर नॉट पॉसिबल ऑन एनी इशू सो आप देखिए टू सिक्सटी थ्री टू सिक्सटी फोर में हमारे पौने तीन घंटे लग गए तभी देखिए मैं कोई क्वेरीज आंसर नहीं कर पाता था नाउ यू विल सी हंड्रेड परसेंट क्वेरी से बिन आंसर्ड ओके एक एग्जाम का क्वेश्चन है आपने 264 एप्लीकेशन मूव की सी 264 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है ऑन द ग्राउंड कि आपने पिछले सालों में लगातार कंसीलमेंट की थी हमने पढ़ा नहीं बट एग्जाम में आ गया क्वेश्चन ये असेसी ने टू सिक्सटी फोर एप्लीकेशन मूव की एक डिडक्शन क्लेम करनी चाहिए सीआईटी ने टू सिक्सटी फोर में एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी इस ग्राउंड पर कि आपने पिछले सालों में रिपीटेड कंसीलमेंट की है वेदर एक्शन ऑफ सीआईटी ने टू सिक्सटी फोर जस्टिफाइड देखिए ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो कहीं डिस्कस नहीं होगा आपका क्या व्यू है 264 में ऐसा कहां लिखा है कि पिछले सालों में कंसीलमेंट नहीं होनी चाहिए आपकी यह तो मेरी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है करंट ईयर की सो so 264 में ऐसी कोई पॉवर नहीं है सीआईटी के पास टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड देर फॉर द एक्शन ऑफ लर्न इट सी इज इनकरेक्ट एक क्वेश्चन कभी आया नहीं बट एक स्मार्ट एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि 263, 264 में क्या सिमिलैरिटीज होती है क्या डिफरेंसेस होते हैं इससे वो आपको पूरा सेक्शन टेस्ट कर लेगा दोनों दोनों ही रिविजन सीआईटी करता है दोनों में रिवाइज करते हैं ऑर्डर ऑफ एओ दोनों में रिविजन कैन बी सू मोटो दोनों में असेसमेंट को कैंसिल करके वापस एओ को भेज सकते हैं कि दोबारा करके लाइए और दोनों ऑर्डर्स कैन बी रेक्टिफाइड अंडर 154 फिफ्टी फोर यहां वो ऑर्डर रिवाइज होता है विच इज टू रेवेन्यू यहां जो प्रिजुडिशल असेसी है 263 के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं आईटीटी में 264 सिक्सटी फोर इज नॉन अवेलेबल 263 हो सकता है उन आइटम्स का जो अपील में नहीं गए हैं बट अगर आपने अपील कर दी है 264 किसी भी आइटम का नहीं हो सकता 263 हो सकता है इवन आफ्टर 264 बट 264 के बाद 263 सॉरी 263 के बाद 264 नहीं हो सकता बट 264 के बाद 263 हो सकता है रिविजन इज सो मोटो या वेन द एर इज ब्रॉट टू द नोटिस बाई देशन ऑफ दो मोटो और अगर टाइम लिमिट लिख दीजिए तो इस तरह के इंटेलिजेंट क्वेश्चन से देखिए दोनों सेक्शन डेप्थ में पूछ लिए गए आपसे तो ये जो हमें हमारे पास्ट यार मेमोरेंडम्स होते हैं ना एक्सप्लेनिंग द लॉ वगैरह वो दोबारा मत पढ़िएगा वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपको पता चल जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ कोई कहानी नहीं सुना रहा रियलिटी है अगर 264 में रिलीफ देने से मना कर दिया है द इज रेड पेटिशन तो अच्छा, टू कोर्ट। अच्छा सुनिए प्लीज देखिए टू सिक्सटी का ऑर्डर पास हो गया उसके बाद तो सिर्फ रेड पटिशन पॉसिबल है इधर देखिएगा हम चैप्टर सिक्स से डिडक्शंस करेंगे मॉड्यूल थ्री में हम चैप्टर सिक्स से डिडक्शंस करेंगे वहां मेजर डिडक्शंस होती हैं ए टी आई ए से लेकर ए टी आर आर बी ये पार्ट सी ऑफ चैप्टर सिक्स ए में होती है चैप्टर सिक्स ए में एक सेक्शन डाला गया ए टी जो कहता है कि अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं फाइल की तो ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी ए टी सेक्शन है जो कहता है ये डिडक्शंस क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न डेट पे फाइल करना मैंडेटरी है आप देखेंगे हर जगह डेट का कितना रेलेवेंस है चैरिटेबल ट्रस्ट में एग्जामेशन नहीं मिलती अगर पर फाइल करते हैं पॉलिटिकल पार्टी में मना कर देते हैं सो so यहां पर भी ये मेजर डिडक्शन हैं। ये हम तभी देंगे अगर आपने रिटर्न फाइल किया बाय द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक सेक्शन और है ए टी ए इसी चैप्टर में है उसका सब सेक्शन फाइव होता है शायद जो कहता है कि अगर आपने रिटर्न चाहे ड्यू डेट फाइल कर दी बट ए टी आई ए टू ए टी आई या टेन डबल आपने क्लेम नहीं किया तो डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी यानी डिडक्शन क्लेम करनी है तो रिटर्न फाइल करिए उसमें क्लेम करिए या फिर रिटर्न रिवाइज करके क्लेम कर लीजिए और रिवाइज करके क्लेम करते तब मिलेगी अगर ओरिजिनल रिटर्न आपने ड्यूडिट फाइल की है धामपुर सुगर मिल्स लिमिटेड आप सोच रहे होंगे हम अपील्स के चैप्टर कर रहे हैं कहां से इसको घुसा रहा हूं बीच में सो so, पेज 288 <coughs> सेक्शन एटी एसी कहता है वाइल कंप्यूट वे आर इन कंप्यूटिंग सो हेडिंग है मेरी डिडक्शन नॉट बी अलाउड अनलेस रिटर्न फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट वे आर इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन एसेसी फॉर एनी प्रीवियस ईयर एनी डिडक्शन इज एडमिसेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर दिस चैप्टर मीन चैप्टर सिक्स से अंडर द हेडिंग पार्ट सी डिडक्शन सर्टन इनकम्स, ये क्या होता है ए टी आई ए टू ए टी आर आर बी ये हम पहले कहीं कर चुके हैं सेक्शन थर्टी फाइव ए डी अभी तो आपका आधा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ कोई बात नहीं हो जाएगा सो वे आर इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द सेसी ऑफ एनी प्रीवियस ईयर आर डिडक्शन इज एडमिसेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर यानी चैप्टर सिक्स से अंडर द हेडिंग पार्ट सी नो सच डिडक्शन शेड बी अलाउड टू हिम रिटर्न ऑफ़ इनकम, फॉर सच असेसमेंट एसमेंट इन बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन वन तो ये सारी डिडक्शन लिंक कर दी गई विद विद्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बताइए मैं रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करता हूँ ए टी डी वो मिल जाएंगी या नहीं एटीसी ए टी डी ए टी सी सी डी वो मिल जाएंगी या नहीं वो मिल जाएंगी। लॉ ने सिर्फ क्या माना की है बड़ी डिडक्शन ए टी आई ए टू ए टी आर आर बी तो अगर ए टी सी है ए टी डी है मतलब तो जो पार्ट सी में नहीं आता उससे पहले आती डिडक्शन इससे पहले वो डिडक्शन मिल जाएंगी इवन इफ यू फर्निश द रिटर्न लेट ए टी ए

इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर ए टी आई ए आई बी वगैरह टेन डबल ए ही फेल्स टू मेक अ क्लेम इन द रिटर्न ऑफ इनकम ईओ एफ डज नॉट अलाउ द क्लेम नाउ 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 नाउ. कैन आई क्लेम बिफोर द आईटी आई टी एन टीपीसी इसलिए मैं ये चीज यहां पर लेके आया फैक्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑन पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज अपलेट अथॉरिटीज एंड कोर्ट हमने कहा था एक डिडक्शन जो नीचे कहीं क्लेम नहीं की आप पहली बार आईटीटी में क्लेम कर सकते हैं एज पर एन टीपीसी इज एनटीपीसी पार्टली ओवर रूल्ड हेयर इट इज ओवर रूल्ड बिकॉज लॉ में लिखा है कि चैप्टर सिक्स से पार्ट सी इसको तो रिटर्न में क्लेम करना मैंडेटरी है रिटर्न ड्यू डेट पे भी फाइल करना मैंडेटरी है दोनों चीज आ गई तो नहीं क्लेम किया आपने तो ट्रिब्यूनल भी अनाओ नहीं कर सकता टू दिस एक्सटेंट एन सुप्रीम कोर्ट इज ओवर रोल्ड सो एस ही एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर एट वगैरह वगैरह ही फील्स टू मेक क्लेम इन द रिटर्न ऑफ इनकम ओ दे ड क्लेम अट क्लेम द डिडक्शन बिफोर द ए सी आई टी अपील आई टी टी कोर्स सच डिडक्शन कैनोट बी क्लेम इन अपील रिविजन रेक्टिफिकेशन सच डिडक्शन कैन बी क्लेम ऑनलिन द रिवाइस चैप्टर सिक्स से पार्ट सी में क्या आते हैं ए टी आई ए टू ए टी आर आर बी ए टी सी टू ए टी जी सी सी कवर्ड नहीं है ए टी यू भी कवर्ड नहीं है अगर एस एसी इनमें क्लेम नहीं करता या रिटर्न डेट ड्यू पर फाइल करता है डिडक्शन मिल जाएगी यहां लिखिए यहां यहाँ यहाँ यहां यहाँ यहां, यहां। To this extent, Supreme Court judgment in NTPC Limited is overruled only to this extent. और आप देखिएगा कभी भी एक intelligence examiner इस तरह से पूछेगा इसमें आपका ए टी ए फाइव भी चेक हो जाएगा उसका एन टी पी सी मालूम है या नहीं वो भी चेक हो जाएगा एन टी पी सी को ये सेक्शन ओवर रूल कर रहा है पार्शली या नहीं ये भी टेस्ट कर लेता आपका एक काम कीजिएगा प्लीज़ कहाँ लिखा है ये तो मैंने लिखी है मैं बनाई हेडिंग प्लीज प्लीज देखिए मैं ये तो मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कि आईटीटी की पावर जो है वो इफेक्ट हो गई इस अमेंडमेंट से ये जो कुछ पोशन बचा है टू नाइनटी ये मैं आपको करा दूंगा सो फ्रेंड्स अभी तक हम करते आए मैंने इनफैक्ट पहली क्लास आपको यही कराया टू 263, 264 रिवीजन रिविजन इज डन बाय द कमिश्नर कमिश्नर मीन्स द सीआईटी मैंने बताया था आपको कि कमिश्नर की इक्वल पोस्ट होती है प्रिंसिपल सीआईटी तो पूरे एक्ट में जहां सीआईटी लिखा है सी आई टी मीन सी आई टी एज वेल एज प्रिंसिपल सी आई टी अब एक मेजर चेंज आया है फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी वन से यह जो रिवेशन की पॉवर है टू सिक्सटी थ्री टू सिक्सटी फोर की दिस हैज बीन गिवन टू ऑल्सो गिवन टू चीफ कमिश्नर एंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर यानी रिविजन अंडर सेक्शन टू सिक्सटी थ्री टू सिक्सटी फोर कैन बी डन नॉट ओनली बाय द सी आई टी प्रिंसिपल सी आई टी बट ऑल्सो बाई चीफ सी आई टी एंड प्रिंसिपल चीफ सी आई टी तो पूरे एक्ट में जहां पर भी लिखा है रिविजन बाय कमिश्नर अंडर सेक्शन टू सिक्सटी थ्री टू सिक्सटी फोर इट नाउ मीनस रिविजन बाय कमिश्नर एज वेल एज चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सो अमेंडमेंट देखिएगाय फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन सेक्शन टू सिक्सटी थ्री टू सिक्सटी फोर Finance Act 21 has enhanced the scope of exercise of powers under Section 263 264 to Principal Chief Commissioner and Chief Commissioner in addition to Principal Commissioner and Commissioner of Income Tax. Accordingly, now Principal Chief Commissioner and Chief Commissioner can also exercise the powers under Section 263 264. तो जहां भी लॉ में लिखा है रिविजन अंडर सेक्शन 263 सिक्सटी थ्री बाय कमिश्नर इट ऑल्सो मीन्स रिविजन बाय कमिश्नर एज वेल एज चीफ कमिश्नर एंड आई टोल्ड यू कमिश्नर इंक्लूड्स प्रिंसिपल कमिश्नर चीफ कमिश्नर ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर तो ये कमेंडमेंट आई है जहां पॉवर्स 263, 264 सिक्सटी दे दी गई हैं ऑल्सो टू चीफ कमिश्नर एंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर क्वेश्चन ऑन द पास एग्जाम करिएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इन क्वेश्चन को आप पढ़ के निकालिए अभी आप क्या करिए क्वेश्चन वन टू थर्टी कर लीजिए अभी आप क्वेश्चन वन टू थर्टी कर लीजिए नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के बाद बट अभी इन क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लीजिए आंसर पढ़ लीजिए वैसे सॉल्व मत करिए सो दैट विल गिव यू अ गुड इन डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन काइंड ऑफ नॉलेज द एग्जामिनर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू तो हमारा एक मेजर पोर्शन खत्म हो गया है रेक्टिफिकेशंस, अपील्स रिविजन अपील बिफोर सी आई टी अपील्स फेसलेस हो गई है और इसकी स्कीम भी आ गई है और आज प्रैक्टिकली बिफोर द सी आई टी अपील्स ऑल अपील्स आर फेसलेस सो ब्रेक की बात करेंगे हम फेसलेस अपील्स बिफोर द सी आई टी अपील्स सिंस आपने अपील्स का चैप्टर पढ़ लिया है तो फेसलेस अपील का चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा सिर्फ किस तरह से फेसलेस की गई अपील वो हम करेंगे ब्रेक के बाद स्टॉप। कैन यू प्लीज स्टार्ट द क्लास अब हम करने जा रहे हैं फेसलेस अपील्स बिफोर द सीआईटी अपील्स आप फेसलेस असेसमेंट कर चुके हैं पेज 193 पर आइएगा पेज 193 जो फेसलेस अपील स्कीम है मैंने इस मॉड्यूल के एंड में दी हुई है आप उस स्कीम को ना पढ़ के यही चैप्टर पढ़ तो ये फेसलेस अपील है बिफोर द सीआईटी अपील्स द फेसलेस अपील स्कीम इज एनालाइज्ड एज बिलो एक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर होता है ये हमने पढ़ा था रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर होते हैं ये भी हमने पढ़ा था इसी तरह नेशनल फेसलेस अपील सेंटर है जो सेंट्रलाइज बॉडी है ऑफ रीजनल फेसलेस अपील सेंटर्स हैं जिनको हम एब्रिविएट कर रहे हैं एन एफ ए सी एंड आर एफ ए सी फेसलेस अपील्स में देखिए क्या होगा एक नेशनल फेसलेस अपील सेंटर है जो सेंट्रलाइज बॉडी है रीज़न से बनाए गए हैं रीजनल फेसलेस अपील सेंटर्स जैसे कि हमने असेसमेंट्स में किया था और इन रीजनल फेसलेस अपील सेंटर्स में क्या होते हैं आपके अपील यूनिट्स ए जिसमें होते हैं वन और मोर कमिश्नर अपील्स एंड अदर प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी बेसिकली टू असेस देम कुछ इंस्पेक्टर्स एओस को असेस करने के लिए डाल देते हैं इनके साथ बट जो फाइनल ऑर्डर पास होगा अपील में वो पास करेगी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर जैसे हमने किया था फेसलेस असेसमेंट में नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ऑर्डर पास करती थी सो so, हर रीजनल फेसलेस अपील सेंटर में अपील यूनिट्स होंगे होते हैं इन अपील यूनिट्स के फंक्शन क्या होते हैं ब्रॉडली एडमिटिंग ग्राउंड्स ऑफ अपील मेकिंग इंक्वायरीज डायरेक्टिंग द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और द ए फॉर मेकिंग फर्दर इंक्वायरीज सीकिंग इन्फॉर्मेशन एंड क्लरिफिकेशन आप वॉटशूट में हार्ट दिए जाएगी आपको एनालाइज करेंगे जो मेडल फर्निश किया और ड्राफ्ट ऑर्डर पास करेंगे ऑल कॉम्युनिकेशन अंडर द स्कीम हैव टू बी थ्रू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर जैसे कि हमने फेसलेस असमेंट में किया था थ्रू द नेशनल फेसलेस असमेंट सेंटर नेक्स्ट पेज अपील टू बी असाइंड बाय द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर टू स्पेसिफिक अपील यूनिट इन एनी ऑफ द रीजनल फेसलेस अपील सेंटर और ये एलोकेशन की जाएगी थ्रू ए ए ए एस ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम

As per section 249, an appeal shall not be accepted if where no return was filed, a assessee pays assessed tax payable by him. As per the scheme, unless the appellant makes an application for exemption from the condition and the appeal unit is satisfied for reasons to be recorded in writing, the appeal unit will reject the admission. दिस शैल बी इंटीमेटेड बाई द अपील यूनिट अगेन टू द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर तो जहां आपने रिटर्न नहीं फाइल की आपकी असेसमेंट हो गई तो आपको असेस टैक्स जमा करना होता है अपील फाइल करने से पहले और ये कंडीशन हमने पढ़ा था सी आई टी बिल्स वेव कर सकता है रिलैक्स कर सकता है और अब यह कौन रिलैक्स करेगा वेव करेगा अपील यूनिट अपील यूनिट शैल इंटीमेट द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ऑफ इट्स एक्शन हु शैल फर्दर इंटीमेट द सेम टू द तो अगर आपने अपील देर से फाइल की तीस दिन बाद तो अपील यूनिट डिले कंडोन कर सकता है या फिर अपील रिजेक्ट कर सकता है और अपील यूनिट ये बात बताएगा कि इसको नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को हु विल कॉम्युनिकेट टू दी इसी तरह अगर आपकी रिटर्न नहीं फाइल हुई थी आपकी असेसमेंट हो गई थी आपको असेस टैक्स जमा करना होता है बिफोर द अपील इज एडमिटेड इस, इस कंडीशन से आपको एग्जामेशन दे सकता अपील यूनिट और अगर दे देता है अपील एडमिट हो जाती है आपकी या फिर एग्जामेशन नहीं देता अपील रिजेक्ट कर देता है आपकी तो अपील यूनिट यह बात इंटीमेट करेगा किसको नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को जो फर्दर कम्युनिकेट करेगा टू द असेसी वही जो बात हमने सीएटी बस में की थी वही सारी ऑवर्स यहां पर आ रही हैं वेयर अपील इज एडमिटेड अपील एडमिट हो जाती है अगर आपने प्रिस्क्राइब फीस पे की है ग्राउंड्स ऑफ अपील वगैरह सब लगाए हैं तो अपील एडमिट हो जाती है अपील यूनिट मे रिक्वेस्ट द नेशनल फेथलेस अपील सेंटर टू ऑप्टेन सच फर्दर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एविडेंस फ्रॉम द अपीलेंट और एनी अदर पर्सन कनेक्टेड विद द केस तो अपील यूनिट को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए अपीलेंट से एस एसी से या किसी और क्रेडिट डेटर से तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा नेशनल फेथलेस अपील सेंटर को कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए अपील यूनिट मे रिक्वेस्ट नेशनल फेसलेस अपील सेंटर टू अपन रिपोर्ट ऑफ यह क्या है नेशनल फेसलेस असमेंट सेंटर एन ग्राउंड अपील और डॉक्यूमेंट और एविडेंस फाइल्ड बाय द अपलेट सो ये देखने के लिए वो जो एविडेंस अस ने फाइल किया है क्या एओ के पास भी एस एस सी ने फाइल किया था यानी याद करिए रूल फोर्टी सिक्स से आप सी आई टी वही एविडेंस फाइल कर सकते हैं जो आपने ए के पास फाइल किया था ए मींस नाउ एओ और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर तो अगर आपने अपील में कुछ एविडेंस फाइल किया है तो अपील यूनिट रिक्वेस्ट भेजेगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को कि मुझे इंफॉर्मेशन लेके दीजिए फ्रॉम द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और एओ कि जो एविडेंस मेरे पास फाइल हुआ था क्या आपके पास फाइल हुआ था या नहीं अपील यूनिट रिक्वेस्ट द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर टू डायरेक्ट द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और द ए टू मेक फर्दर इंक्वायरीज अंडर टू फिफ्टी फोर एंड सबमिट अ रिपोर्ट देर ऑफ तो सी आई टी पी सी होती है कि एयो को कह सकता है कि हमें इंक्वायरीज करके दीजिए और एक रिपोर्ट दीजिए तो अपील यूनिट को अगर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंक्वायरी करवानी है ओ से तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को कि आप नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर या एओ से हमें ये इंक्वायरी करा कर रिपोर्ट सबमिट करी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर टू सर्व अ नोटिस ऑन द अपलेंट अदर पर्सन लाइक राइटर नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और ए टू फर्निश द डॉक्यूमेंट एविडेंस और रिपोर्ट एज स्पेसिफाइड बाय द अपील यूनिट तो देखिए कहीं भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एसेसी का अपील यूनिट से नहीं है अब जो अपलेंट है अदर पर्सन लाइक क्राइटर टू फाइल रिस्पॉन्स टू द नोटिस विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और असैसी या क्राइटर रिस्पॉन्स किसको देगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को सिमिलरली जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है और ए रिपोर्ट बनाएंगे वो किसको फर्निश करेंगे नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर इनको फॉरवर्ड करेगा अपील यूनिट को सो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर टू फॉरवर्ड सच डॉक्यूमेंट रिपोर्ट टू द अपील यूनिट और अगर रिस्पॉन्स एस एस से नहीं मिलता एओ से नहीं मिलता ये फैक्ट इंटीमेट करेगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर to the अपील यूनिट page 195 हमने पढ़ा था कि कुछ ग्राउंड्स आपसे मतलब फाइल होने रह गए सी आई टी पी एल की बस पावर होती है कि वो ग्राउंड एडमिट कर सकता है बाद में हियरिंग के टाइम पर अगर वो सेटिस्फाइड है कि ओमिशन ऑफ डेड ग्राउंड वॉज नॉट विलफुल और अनरीजेबल सेम चीज यहां पर कर दी गई है अपलेंट मे फाइल एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील लॉन्ग विद रीजन फॉर ओमिशन ऑफ सच ग्राउंड टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर तो आपने जो अपील फाइल की उसमें तीन ग्राउंड्स हैं बाद में असैसी को याद आता कि दो ग्राउंड्स और थे जो रहने ल, लेने रह गए तो हमने पढ़ा था सी आई को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ हियरिंग द अपील कि मेरे एक ग्राउंड एडमिट कर लीजिए और सी आई ग्राउंड एडमिट कर लेता है इफ़ ही सैटिस्फाइड डेट ओमिशन वॉज नॉट विलफुल और अनरीजनेबल सेम चीज़ देखिए असए ने पांच राउंड से तीन राउंड रेस किए दो ग्राउंड रेस करने से भूल गया रहेगा किसी वजह से तो अब एडिशनल अपील की एप्लीकेशन किसको देगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर क्या करेगा इन एडिशनल ग्राउंड अपील को फॉरवर्ड करेगा टू द अपील यूनिट सो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर टू फॉरवर्ड सच एडिशनल लॉन्स अपील टू द अपील हमने ये भी पढ़ा था कि जो एविडेंस आपने एओ को नहीं दिया वो आप सीआईटी पी उसमें नहीं दे सकते इसलिए जो एडिशनल लॉन्स ऑफ अपील है वो दिए जाएंगे अपील यूनिट को भी और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को एओ को फॉर फर्निशिंग द कमेंट्स क्योंकि जो एविडेंस आपने एओ को या नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को नहीं दिया था वो अब आप सीआईटीबिस को नहीं दे सकते एक्सेप्ट दो फोर एक्सेप्शन जो हमने रूल फोर्टी सिक्स ए में की थी पावर ऑफ द सी आई टी टू एडमिट एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील अपील यूनिट को नेशनल फेसलेस अपील सेंटर ने फॉरवर्ड किया क्या एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील अपील यूनिट कैन एडमिट द ग्राउंड्स ऑफ अपील इफ इट इज सेटिस्फाइड एट सच ओमिशन वाज नॉट विलफुल और अनरिजनेबल एंड रिजेक्ट इन एनी अदर केस एंड इंटीमेट सच डिसीजन टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर तो अगर आप नया एविडेंस रेज कर रहे हैं जो आपने एओ के सामने रेज नहीं किया था और वो चार एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता तो आपका ग्राउंड एडमिट नहीं होगा इधर नेशनल फेसलेस असिस्मेंट सेंटर या ए अपने कमेंट्स देंगे नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को नेशनल फेसलेस अपील सेंटर विल फर्निश दिस कमेंट्स और इंटीमेट अगर कोई रिस्पांस नहीं आता टू द अपील यूनिट किया गया और अब के कमेंट्स देखने के बाद अगर ग्राउंड असेसमेंट का पार्ट था रह गया था अपील करने से एडमिट कर लेंगे ग्राउंड बिल्कुल नया है कोई एविडेंस था ही नहीं असेसमेंट के टाइम पर एओ की रिपोर्ट आ गई अपील यूनिट रिजेक्ट कर देगा कि सिंस ये एडिशनल एविडेंस रूल 46 ए के हिसाब से नहीं है हम आपका ये ग्राउंड रिजेक्ट कर रहे हैं और अपील यूनिट ये बात किसको बताएगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को कि हमने ग्राउंड एडमिट कर लिया है या रिजेक्ट कर दिया है रिजेक्ट इसलिए किया है कि एडिशनल एविडेंस है ये जो कि रूल 46 सिक्स का पार्ट नहीं बन रहा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर टू इंटीमेट अपोलेंट द डिसीजन कि आपका ग्राउंड एडमिट हुआ है या रिजेक्ट हो गया है तो अगर आप कोई नया एविडेंस देना चाहते हैं सी आई को जो आपने नहीं दिया था द ए और आपका केस 46 ए रूल के एक्सेप्शन में आ रहा है तो आप क्या करिए अपलेंट मे फाइल टू द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर एडिशनल एविडेंस एज परमिटेड अकॉर्डिंग टू रूल 46 ए एंड स्पेसिफाई हाउ एडिशनल एविडेंस ज कवर्ड बाय रूल फोर्टी सिक्स ए याद आया रूल फोर्टी सिक्स ए या नहीं, नहीं। पढ़ा था पढ़ा था आपने पेज टू सिक्सटी पर पढ़ा था पेज टू सिक्सटी पे पढ़ा था एडिशनल राउंड्स सी आई टी भी कब एडमिट कर सकता है वही बातें अब यहां पर आ जाएंगी पेज वन फाइव पॉइंट जी देखिएगा देखिएगाट मे फाइल टू द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर Additional evidence as permitted according to Rule 46A and specify how that additional evidence is covered by Rule 46A. Now, the National Faceless Appeal Center? to the Appeal Unit? Ko and to the AO National Faceless Assessment Center for their comments. वे आर द एडिशनल एविडेंस इज फाइल्ड नेशनल फेसलेस अपील सेंटर विल सेंड दिस एडिशनल एविडेंस टू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ए फॉर फर्निशिंग अपोर्ट ऑन एडमिशबिलिटी ऑफ द सेम एज पर रूल फोर्टी सिक्स ए हमने पढ़ा था रूल फोर्टी सिक्स ए में सीआईटी पी बिफोर एडमिटिंग एनी एडिशनल एविडेंस ईओ को चांस देता है कि आप एडिशनल एविडेंस एग्जामिन करिए कि मैं क्यों एडमिट ना करूं या करूं नेशनल फेसलेस अपील सेंटर सो ये एविडेंस भेजिएगा नेशनल फेसलेस असिस्टेंस सेंटर को या ईओ को कि अपना रिपोर्ट दीजिए कि एडमिट क्यों ना किया जाए नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और ए टू फर्निश सच रिपोर्ट टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर विद इन द टाइम गिवन और द एक्सटेंडेड टाइम और फिर क्या होगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर विल फॉरवर्ड सच रिपोर्ट टू द अपील यूनिट और इंटीमेट इन केस नो रिस्पॉन्स इज रिसीव फ्रॉम नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ऑर द तो आप देख रहे हैं जो हमने अपील में किया था वो ही सब कुछ है ये ओनली थिंग इज सी आई टी पीस कौन है आपको पता नहीं बुराई नहीं दे सकते आप अपील यूनिट टू तो कंसिडर द एविडेंस एंड रिपोर्ट इफ एनी एंड एडमिट और रिजेक्ट द एडिशनल एविडेंस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड इंटीमेट द सेम टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर तो अगर आपका एडिशनल एविडेंस उस फोर एक्सेप्शन में फॉल करता है जो आपने रूल फोर्टी सिक्स ए में पढ़े थे तो अपील यूनिट एडमिट कर लेगा एडिशनल एविडेंस और रीजन देगा हमने क्यों एडमिट किया है और अगर रिजेक्ट कर रहा है तो रिजेक्ट करने के भी रीजन देगा कि क्यों आपका केस उन चार एक्सेप्शन में नहीं आ रहा सो अपील यूनिट टू कंस्ट द एविडेंस एंड रिपोर्ट इफ एनी एडमिट और रिजेक्ट एडिशनल एविडेंस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग और अपील यूनिट इसको किसको भेजेगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर इंटीमेट करेगा सेसी को एओ को नेशनल फेसेस असेसमेंट सेंटर को कि हमने एडिशनल एविडेंस एडमिट किया है या रिजेक्ट किया है वे आर एडिशनल एविडेंस इज टू बी एडमिटेड तो हमने पढ़ा था कि एओ को चांस दिया जाता है कि कन्फ्रंट करे कि क्यों एविडेंस एडमिट नहीं किया जाएगा तो जहां एडिशनल एविडेंस एडमिट हो रहा है अपील यूनिट बिफोर कंस्ट्रिंग इट, इन अपलेट प्रोसीडिंग शेल प्रिपेयर ए नोटिस प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी बीइंग बींग हर्ड टू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और टू दूर नेशनल फेसेस सेंटर नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एओ को मौका दिया जाता है कि क्या पेज 196 कि आप एग्जामिन करिए एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करिए विटनेस को या फिर एओ या नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं विटनेस प्रोड्यूस कर सकते हैं टू प्रूव दैट एविडेंस सबमिटेड बाय द इन करेक्ट सो प्रोड्यूस एविडेंस डॉक्यूमेंट्स विटनेस इन रिब्यूटल रिब्यूटल मतलब गलत प्रूव करना ऑफ एविडेंस और विटनेस प्रोड्यूस बाय दोड्यूसैंड एंड अ रिपोर्ट देयर ऑफ सच नोटिस चैल बी सेंड बा सो so, कहीं भी अपील यूनिट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से बात नहीं करेगा सारी कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर सो सच नोटिस शैल बी सेंड बाय द अपील यूनिट टू द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर हु विल फॉरवर्ड टू नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और टू द एओ सो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर या ए यू शैल फर्निश द रिपोर्ट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और द एक्सटेंडेड टाइम टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर कि ये एविडेंस क्यों एडमिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए हु फॉरवर्ड इट टू द अपील यूनिट और इनफॉर्म द लेटर इन केस नो रिस्पॉन्स इज रिसीव फ्रॉम द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ऑर द एव एच नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ऑफ द ए मे रिक्वेस्ट द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर टू डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस प्रोड्यूस बाय द असेसी। एसी सो ये लोग मांग सकते हैं कि हमें वो डॉक्यूमेंट दीजिए जो असेसी ने प्रोड्यूस किए हैं जो विटनेस एस लेके आ रहा है हम उसे एग्जामिन करना चाहते हैं नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर विल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट द अपील यूनिट अपील यूनिट इफ डीम्स फिट शेल प्रिपेयर ए नोटिस टू बी सेंड टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर डायरेक्टिंग द अपलेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एविडेंस टू एग्जामिन एनी अदर पर्सन नेशनल फेस अपील सेंटर इस नोटिस को भेजेगा एस को विटनेसेस को से विटनेस अपने रिस्पांस फाइल करेंगे किसके पास नेशनल फेस असेसमेंट सेंटर के पास और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर क्या करेगा यह रिस्पांस भेज देगा अपील यूनिट को और इन्फॉर्म करेगा कोई रिस्पांस नहीं आया तो जहां अपील यूनिट वॉन्ट्स टू एनहेंस द असेसमेंट एनहेंस द पेनल्टी या रिड्यूस द रिफंड यानी असैसी पर एक बर्डन डालना चाह रहे हैं हमने कहा था कि जब भी कोई बर्डन डालते हैं किसी पर भी शोकॉज दिया जाएगा द अपील यूनेट टू प्रिपेयर अ शोकॉज नोटिस कंटेनिंग रीजन फॉर सच एनहेंसमेंट रिडक्शन ऑफ रिफंड एंड फॉर्व टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर तो ये तब है जब अपील यूनिट कोई नई इनकम ढूंढ कर एड करना चाहता है तो कॉज देंगे एस को और कॉज दिया जाएगा थ्रू नेशनल फेसलेस असेसमेंट अपील सेंटर और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर इस नोटिस को सर्व करेगा अपीलेंट पर और अपीलेंट अपना रिस्पांस फाइल करेगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास नेशनल फेसलेस अपील सेंटर टू फॉरवर्ड द रिस्पॉन्स ऑफ द स एसी टू द अपील यूनिट और इंटीमेट इफ नो रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द एसी Ab appeal unit a draft order. Banayega. Appeal unit after considering the facts collected and any matter arising out of the proceedings in which order appeal against was passed, notwithstanding that such matter was not raised before it, prepare a draft order and the send the same along with the details of penalty proceeding to be initiated to the national faceless. अपील सेंटर तो अगर सी आई सी आई टी पी कोई इनकम ढूंढ कर एड करना चाहता है तो पेनल्टी फिर सीआईटी पीस लगाता है तो यहां पर अगर अपील यूनिट कोई नई इनकम एड करना चाह रहा है जो एओ ने एड नहीं की थी तो उसके लिए शोकॉस भेजेगा शशि को वो भेजा जाएगा अपील यूनिट भेजेगा टू नेशनल फेसलेस अपील सेंटर नेशनल फेसल अपील सेंटर टू द सी एस अपना रिस्पॉन्स देगा नेशनल फेसस अपील सेंटर को और नेशनल फेस अपील सेंटर देगा किसको अपील यूनिट को और अपील यूनिट अपना ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा आफ्टर कंस्टिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द एस और पेनल्टी भी इनिशिएट करने का उसमें डिटेल देगा कि पेनल्टी इनिशिएट कर रहे हैं होनी चाहिए अब इस ड्राफ्ट ऑर्डर का रिव्यू होगा देखिए ऑन रिसीट ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर Where the aggregate amount of tax penalty interest fee disputed in the appeal is more than the specified amount. Specified amount, kya hota hai? us see. Let us say it is 10 lakhs. Let us say it is 10 lakhs. तो अगर स्पेसिफाइड अमाउंट से टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट फीस डिस्प्यूटेड इन अपील लेट्स से स्पेसिफाइड अमाउंट इज टेन लैक वो सेक्सीड कर रहा है या फिर इक्वल टू है या लेस है दो चीजें हैं सो व्हाट इज द स्पेसिफिक अमाउंट वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे मुझे भी याद नहीं चेक करना पड़ेगा बट लेट एस इट्स टेन लैक लेट एस इट्स टेन लैक तो वे आर द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट फीस डिस्प्यूटेड इन द अपील इज मोर देन द स्पेसिफिड अमाउंट विच आई सेड एज्यूम टेन लैक फिर ये ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा जाएगा टू एन अपील यूनिट अदर देन अपील यूनिट विच प्रिपेयर सच ड्राफ्ट ऑर्डर इन एनी वन ऑफ द आर एफ ए सी थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम फॉर कंडक्टिंग ऑफ रिव्यू ऑफ सच ऑर्डर तो देखिए आपको बर्डन नहीं किया जाएगा जो डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस जो भी है आपकी अगर वो स्पेसिफाइड अमाउंट से एक्सीड कर रहा है स्पेसिफाइड अमाउंट में नेक्स्ट क्लास में चेक करके बताऊंगा बट आई थिंक इट्स टेन लैक लेट्स अज्यूम इट्स टेन लेख अगर दस लाख से ऊपर है तो अब ये जो ऑर्डर है अपील यूनिट का दूसरे अपील यूनिट को भेजा जाएगा किसी और रीजनल फेसलेस अपील सेंटर में कि इसको रिव्यू करिए और जो अपील यूनिट होगा किसी और रीजनल फेसलेस अपील सेंटर में वो कैसे चूज होगा थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम सेंड अ ड्राफ्ट ऑर्डर टू एन अपील यूनिट दिस इज अपील यूनिट अदर देन विच प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑर्डर आदर एन द अपील यूनिट विच प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑर्डर इन एनी वन ऑफ द रीजनल फेसलेस अपील सेंटर और ये एलोकेशन की जाएगी थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम फॉर कंडिंग रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर अगर जो नया अपील यूनिट है जिसको रिव्यू के लिए भेजा गया है वो एग्री करता है विद द ड्राफ्ट ऑर्डर फिर तो बात खत्म जी। यानी दो अपील यूनिट ने कनकर लिया कि यस ठीक है बिल्कुल अगर वो एग्री करता है टू द ड्राफ्ट ऑर्डर जो नया अपील यूनिट है जिसको केस रिव्यू के लिए दिया गया अगर वो एग्री करता है जो बिल्कुल सही है तो नया अपील यूनिट इंटीमेट करेगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को और नेशनल फेसलेस अपील सेंटर क्या करेगा अपील फाइनलाइज कर देगा और अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा नेशनल फेसलेस अपील सेंटर और जहां जो नया अपील यूनिट है वो कहते है जी ये ऑर्डर ठीक नहीं है फिर नेशनल फेसलेस अपील क्या करेगा शैल असाइन द अपील टू तो एन अपील यूनिट अदर देन द दे यूनिट विच प्रिपेयर्ड और रिव्यूड द ड्राफ्ट ऑर्डर इन वन ऑफ द आर एफ ए सी थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम तो सपोज स्पेसिफाइड अमाउंट इज टेन लैख अगर जो डिस्प्यूटेड टैक्स इंटेस्ट पेनल्टी ग्यारह लाख बन रहा है तो लेट्स से अपील यूनिट था ए उससे बनाया था ये अब इसे भेजेंगे अपील यूनिट बी के पास अगर यह कहता है यस ठीक है फिर तो एन एफ अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगी अगर यह एग्री नहीं करता फिर इसे भेजा जाएगा अपील यूनिट सी के पास जो होगा किसी और रीजनल फेसलेस असेसमेंट सॉरी अपील सेंटर में और ये एलोकेशन की जाएगी थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम सो जहां एग्रीकेट अमाउंट ऑफ टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह इज मोर देन स्पेसिफाइड अमाउंट विच आई सेट लेट एज्यूम टेन लैक फिर दो से यूनिट बी किसी और रीजनल फेसलेस अपील सेंटर में भेजा जाएगा इसे थ्रू ए और नया अपील यूनिट अगर एग्री करता है ऑर्डर से फिर एन अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगी जो अपील यूनिट ने कहा था वही फाइनल ऑर्डर बन जाएगा बट अगर नया अपील यूनिट बी इससे एग्री नहीं कर रहा फिर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर क्या करेगा इस अपील को असाइन करेगा यूनिट सी को अपील यूनिट सी यूनिट सी कैदर दैन द यूनिट विच प्रिपेयर और रिव्यू द ड्राफ्ट ऑर्डर और यूनिट सी होगा कहां पर इन एनी ऑफ द रीजनल फेसलेस अपील सेंटर एंड दिस एलोकेशन लिमिट डन बाय ए ए एस जो थर्ड अपील यूनिट है सी शैल आफ्टर कंसिडरिंग सच सजेशर वेरिएशन प्रिपेयर आर रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर एज पर द प्रोसेस एंड क्लॉज आई जे एंड सेंडेड टू एन एफ ए सी आईजे तो अब जो थर्ड अपील यूनिट है वो फाइनल डिसाइड करेगा कि केस में क्या होना चाहिए अगर इनकम एनहेंस हो रही है तो अब असेसी को थ्रू एनएफएसी एक शो कॉस भेजा जाएगा कि हम आपकी इनकम क्यों ना बढ़ाए सो थर्ड अपील यूनिट सो अपील यूनिट ए ने ऑर्डर बनाया बी एग्री नहीं कर रहा सी को भेज दिया गया अब सी जो डिसीजन लेगा अगर इनकम बढ़ा रहा है तो प्रोसेस फॉलो करेगा कि असेसी को अब शो कॉज दिया जाएगा अपील यूनिट भेजेगा सी एन को कि यह शो कॉज एसएससी को भेजिए एस एस सी से रिप्लाईगा एन को एनएफएससी फॉरवर्ड करेगा टू द अपील यूनिट सी द थर्ड अपील यूनिट सी शैल आफ्टर कंस्टिंग सच सजेशंस फॉर वेरिएशंस प्रिपेयर रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर एज पर द प्रोसेस एंड क्लॉज आई एनजी फॉरवर्डेड टू द एन एफ एसी सो एस एसी को आप फिर सुनने का मौका देंगे और ड्राफ्ट ऑर्डर अब भेज देगा अपील यूनिट सी टू द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर the national faceless appeal center shall finalize the order on the basis of such revised draft order no further review मतलब तो जो यूनिट सी ने कह दिया अब इसके बाद further review नहीं होगा यूनिट सी अपनी ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगा किसको nfsc को एन एफ एस विल फाइनलाइज द ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सच रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर एंड कॉम्युनिकेट सच ऑर्डर द अपलैंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कमिश्नर एन एफ एस एडर की कॉपी भी जाएगी एक कॉपी एस एस सी को एक कॉपी कमिश्नर को चीफ कमिश्नर को एक कॉपी नेशनल फेसलेस एसन सेंटर को और एक ए को देशनल अपील सेंटर शेल ऑल्सो सव अर शो कॉज नोटिस ऑन द अपलेंट एज टू वाई द पेनल्टी शुड नॉट बी लेवेड वे आर इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी इज बिन रिकमेंडेड इन रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर तो जहां सी आई टी पी से इनकम इंक्रीज करता है तो सी आई टी पी से पेनल्टी लगाता है तो एन एफ ए सी पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देगा अगर इनकम बढ़ाई जा रही है नोट इम्पॉर्टेंट मार्क करिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ एनी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर मे एट एनी स्टेज ऑफ द अपलेट प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर द अपील बाय एन ऑर्डर विद अप्रूवल ऑफ द सी बी डी टी टू दी आई टी अपील्स एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर तो अगर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर डायरेक्टर जनरल को लगता है यह अपील फिजिकली डिसाइड होनी चाहिए तो बोर्ड की अप्रूवल लेकर यह अपील सीआईटीपीस को फिजिकल हियरिंग के लिए ट्रांसफर कर दी जाएगी वापस आइए पेज 197 जो अपील यूनिट ए ने ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया उसमें अगर डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी स्पेसिफाइड अमाउंट से एक्सीड कर रहा था और हमने स्पेसिफाइड अमाउंट एज्यूम किया टेन लैक फिर तो रिव्यू के लिए भेजना मस्त है और अगर स्पेसिफाइड अमाउंट जो हमने एज्यूम किया टेन लैख उसके बराबर है उससे कम है फिर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के सेंस अमाउंट छोटा है उस ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनल मान सकता है या फिर उसकी मर्जी है रिव्यू के लिए भेज दिया जाए और वही प्रोसेस फॉलो होगा जो फॉलो करते हैं इफ द डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट एटसेट्रा एक एक्सीड रुपीज टेन Where the aggregate of amount of tax penalty interest fees disputed in the appeal is less than or equal to the specified amount, NFAC, National Faces Appeal Center shall examine the draft order in accordance with the risk management strategy specified by the board, including by way of automated examination tools. जैसे हमने असेसमेंट में किया था ना असेसमेंट अगर कर दी नेश रीजनल फेसलेस सेंटर की किसी यूनिट ने तो सी उसे एक्सेप्ट कर सकता था एज इट इज या फिर रिव्यू के लिए भेज सकता था तो यहां पर अगर अमाउंट दस लाख जो हमने ज्यूम किया उसके बराबर है उससे कम है तो बोर्ड इस ऑर्डर को एग्जामिन करेगा इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और डिसाइड कर सकता है कि यस ऑर्डर ठीक है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर बोर्ड क्या करे फिर एन क्या करेगा एन सॉरी एन एफ कर देगा अपील ऑर्डर एज पर द ड्राफ्ट ऑर्डर और एन चाहे तो अगर दस लाख या उससे कम अमाउंट है तब भी रिव्यू के लिए भेज सकते और अगर रिव्यू के लिए भेजा तो वही अपील यूनिट बी सी वही प्रोसेस पूरा चलेगा क्लियर है पेज 198 पर आइएगा अपील यूनिट पेनल्टी प्रोसीडिंग्स

नॉट टू द सेम सेम अपील यूनिट एन एफ ए सी विल टू असाइन द रिस्पांस अबव अलॉन्ग द रिकमेंडेशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स टू एन अपील यूनिट इन एनदर आर एफ ए सी थ्रू ऑटोमेटेड एलुकेशन सिस्टम तो अगर अपील यूनिट लेट्स एक्स ने कहा कि पेनल्टी लगाई जाए अपील यूनिट एक्स ये भेजेगा किसको रिकमेंडेशन एन को एन नोटिस भेजेगी किसको एस को एस अपना रिस्पांस फाइल करेगा और अब एन जो अपील यूनिट एक्स की रिकमेंडेशन थी एस का रिस्पांस आया है वो भेजेगी किसी दूसरे अपील यूनिट को इन एनी अदर आर थ्रू ए let's say appeal unit Z, appeal unit Z to consider all metal on record and prepare a draft order or drop the penalty proceedings, recording reasons thereof and send the copy of the order to the NFSE, this is a draft penalty order, your draft order dropping the penalty. नेशनल फीसलेस अपील सेंटर टू सेंड इंटिमेशन ऑफ ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर ऑफ पेनल्टी पास बाय एनएफएससी ऑन द बेस ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर टू द अपलैंड और एनी द पर्सन एनएफएससी और द ए सो आप देखेंगे कि मोदी साहब ने जो सी आई में रिश्वत दी जाती थी उसको खत्म कर दिया बेसिकली अब क्या है जैसे आपने असेसमेंट में एक नेशनल बॉडी बना दी यहां पर भी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर बना दिया गया अपील यूनिट्स हैं जिनको अपील असाइन की जाएंगी उन अपील यूनिट्स से बैठे होते हैं कौन सी आई टी अपील आप दिल्ली में हैं, आपका अपील यूनिट हो सकता है चेन्नई में एंड फॉर इंफॉर्मेशन एक अपील यूनिट में एक से ज्यादा भी सी आई बिल्स होते हैं आप एक से ज्यादा भी सी आई बिल्स होते हैं तो करप्शन इन्होंने पूरी तरह से यहां तोड़ दी है तो बेसिकली एन एफ ए सी नेशनल फेसलेस अपील सेंटर आपकी अपील को असाइन करती है टू अपील यूनिट लोकेटेड इन रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर अगर ये कुछ डिलीट कर रहे हैं मतलब आप क्या है ये एनहेंस करना चाहते हैं इनकम एनहेंस करना चाहते हैं और जो डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी दस लाख से एक्सीड कर रहा है फिर तो रिव्यू के लिए भेजा जाएगा यूनिट बी को यूनिट बी अगर कहता है यस ठीक है बिल्कुल फिर तो फाइनल ऑर्डर पास कर जाएगा पर यूनिट बी कहता है नहीं जी ठीक नहीं है फिर यूनिट सी को भेजेंगे फिर यूनिट सी अपना ऑर्डर बनाएगा एस को शो कॉज देगा और फिर अपना ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा और फिर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को भेजेगा जो अपना फाइनल ऑर्डर बनाए और अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट टेन लैख तक है जो हमने स्पेसिफाइड अमाउंट रिज्यूम किया फिर या तो एक्सेप्ट कर लेंगे ऑर्डर ऑफ अपील यूनिट एन या फिर रिव्यू का फिर से प्रोसेस शुरू हो जाएगा सो बेसिकली एग्जाम में आप कंपोजिशन ऑफ एन एफ ए सी एन एफ एस सी भेजती है टू आर एफ ए सी आर एफ एस सी में अपील यूनिट्स हैं ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए चलिए तो बैलेंस नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं बैलेंस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे थोड़ा बहुत बचे है हमारा वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं विल स्टॉप हेयर